हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की सीरीज में फर्स्ट ऑफ मार्च पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू एंड पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_lutra पे मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। जल्दी से टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्पीच में यहाँ पे इसका जिक्र किया था, इसी वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरस आजीविका मेला के बारे में जानेंगे, कैपार्ट के बारे में भी डिस्कशन होगा, संत गुरु रविदास जी के बारे में एक और नया क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, चिल्का लेक के बारे में जिक्र होगा, ओडीओपी के बारे में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का जिक्र करते हुए बीर चिला राय इनके बारे में भी न्यूज पेपर में मेंशन किया गया था जानेंगे, देन रामदेवरा प्लेसेस को लेकर एक क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, सो टेक्स्ट बुक का जो नया कोर्स है इसको आप एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे 190 प्लस लाइव क्लासेस जो हम कर रहे हैं और जिसमें पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसको कवर किया जाएगा, जिसमें द हिंदू और पीआईबी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके एग्जाम के लिए उसको हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज भी बीच बीच में रहेंगे, लेकिन फोकस जो है वो हमारा डीपली टॉपिक को एनालाइज करने में रहेगा, ताकि अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूटे। यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, PL20 कोड को यूज कर लीजिएगा टू गेट द 20% डिस्काउंट हियर। चलिए देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये जो लॉ पास किया गया था 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन करके लिया गया था, तो इसमें जो अमेंडमेंट का नंबर है, देखिए यूजुअली यूपीएससी नंबर्स नहीं पूछता है, लेकिन यस देयर आर सर्टेन नंबर्स, चाहे वो अमेंडमेंट का नंबर हो, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में पूछा गया हो, या फिर इवन हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए कि 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करना है, ये 2025 किसी चीज का टारगेट है, 2030 किसी चीज का टारगेट है, तो ये टारगेट्स आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि एज अ सिविल सर्वेंट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये टारगेट जब आपको पता होंगे और आप डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करने के लिए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आप एज एन एडीसी डीएम के तौर पर वहां पर रहेंगे, तो जब तक आपको ये टारगेट्स नहीं पता होंगे गवर्नमेंट के, तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे वहां पर, ठीक है। तो प्रायोरिटीज क्या है गवर्नमेंट की वो आपको पता होनी चाहिए, और वो इन्हीं टारगेट्स के थ्रू ही आपको पता चल पाएंगे। यहां पे सेकंड स्टेटमेंट कहती है द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अगर कह दिया, किसी को कह दिया कि यस एज पर डिफेक्शन लॉ और एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को मैं डिस्क्वालीफाई करता हूं, तो वो चीज क्वेश्चन नहीं करी जा सकती। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए द एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर एम वेंकैया नायडू। तो यहां पे मिस्टर एम वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ने इसके बारे में अपनी एक स्पीच में जिक्र किया था, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वाइस प्रेसिडेंट की स्पीचेस जब भी आपको मिले आप उसे मत छोड़िएगा, क्योंकि काफी नॉलेज बेस्ड, काफी इन्फॉर्मेटिव उनकी स्पीचेस रहती है। अगर आप कभी भी वेंकैया नायडू जी को बोलते हुए सुनेंगे तो आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा, एंटरटेनिंग भी लगेगा, और साथ ही साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपको मिलेगी। काफी बार तो ऐसे कुछ पंचिंग लाइंस भी उनकी स्पीच के अंदर मिल जाती है जो कि आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर लिख सकते हैं, तो उनके स्पीचेस को मिस मत करा करिए। तो यहां पे जो लॉ पास किया गया है तो यस 52nd अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास इन वेन इन 1985 थ्रू द 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने कौन सा शेड्यूल ऐड किया था, क्या कोई बता सकता है कौन सा शेड्यूल इस पर्टिकुलर लॉ के द्वारा ऐड किया गया था? तो यस 52nd अमेंडमेंट ने 10th शेड्यूल जो था, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ऐड कर दिया था, ठीक है। तो मेन इंटेंट लॉ की यही थी कि जो इविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, जिसमें आप कहते हैं आयाराम गयाराम की जो पूरी राजनीति थी, उसको रोकने के लिए इसे लाया गया था, ठीक है। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है, आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या यहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होगा? देखिए पहले तो ऐसी चीज मानी जाती थी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया मान लिया हमने, लेकिन आफ्टर द किलोत होलान केस, आपने सुना होगा इस केस के बारे में, लिख देता हूं मैं यहां पर कि हो तो होलान केस, ठीक है, 1993 में यह केस आया था। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट द डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट फाइनल एट ऑल, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा उस डिसीजन को चैलेंज भी किया जा सकता है। नाउ दिस डिसीजन कैन बी चैलेंज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दिस कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एंड इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है कि क्या इसके पीछे इंटेंट सही थी या मैलाफाइड थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और इसी वजह से आंसर भी आपका
बी हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने बात करी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या चीज पूछ रहा है हमसे। सो एंटी डिफेक्शन के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। सेकंड क्वेश्चन जो है सरस आजीविका मेला के बारे में है, पूछा गया सरस आजीविका मेला के बारे में बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया इन जनरल एंड द लाइव्स ऑफ रूरल वुमेन इन पर्टिकुलर। तो किन किन की लाइफ को चेंज करने वाला है, यहां पे बताया रूरल इंडिया की लाइफ को चेंज करने वाला है और रूरल वुमेन की लाइफ को खास तौर पे चेंज करने वाला है। द मेला एक्ट्स एज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट, मे बी पॉसिबल है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय व्हाट, DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हो सकता है देखिए थर्ड स्टेटमेंट काफी बड़ी है, कहीं पे भी कुछ भी छोटी सी जो चेंज है या तब्दीली है वो करी जा सकती है यूपीएससी के द्वारा। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट उन्होंने इनॉग्रेट किया सरस आजीविका मेला 2021 एट नोएडा हाट। आपको पता है दिल्ली हाट है, ऐसे नोएडा हाट भी है, वहां पर इसे लॉन्च किया गया। मोर देन 300 रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 27 से ज्यादा स्टेट से उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट भी किया। सरस आजीविका मेला के बारे में बात करें तो यस इट इज अ प्रोग्राम टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया इन जनरल एंड रूरल वुमेन इन पर्टिकुलर, क्योंकि यहां पे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर खासी तौर पे ध्यान दिया जाता है। इट इज एन इनिशिएटिव बाय दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि रूरल वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको बेसिकली यहां पर हेल्प करना, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने स्किल्स शो कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को शो कर सकें, ताकि बायर्स जो आते हैं बल्क बायर्स आते हैं वो आए उनके प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज कर सकें। ठीक है, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। अब इसमें होगा क्या, देखिए थ्रू पार्टिसिपेशन इन सरस आजीविका मेला ये जो रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन है उनको नेशनल लेवल पे एक रिकॉग्निशन भी मिलेगी, एक एक्सपोजर भी मिलेगा और काफी ज्यादा जो बायर्स हैं उनका एक्सेस भी जो है वो उनको मिल पाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है कैपार्ट के बारे में है, विच इज काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसको लेकर पूछा है कि बताएं सही स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने इनॉग्रेट किया था सरस आजीविका मेला, जैसे कि मैंने आपको बताया उसी को लेकर ही ये चीज भी न्यूज में थी। कैपार्ट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंडर में एस्टैब्लिश करी गई है। हो सकता है इट एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंडिया रूरल एरियाज, तो इंडिया में जो रूरल एरियाज है वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है उसको लेकर यहां पर चर्चा करी जाती है, उसको लेकर पूरे यहां पे एफर्ट्स जो है वो करे जाते हैं। सोचिए चलिए देखिए कैपार्ट की बात करें, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन इन रूरल टेक्नोलॉजी, क्योंकि रूरल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करने की बात करी जा रही है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कॉमन सेंस के बेसिस पे कि यस करेक्ट होगी। इवन तो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमन सेंस हमेशा आपकी स्टेटमेंट करेक्ट कराएगी, बट यहां पर उसने स्टेटमेंट आपकी करेक्ट करा दी है। एंड स्टेटमेंट वन जो है वो हमारी इनकरेक्ट होती है, क्यों वो भी बताता हूं। कैपार्ट जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है, आपकी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के अंदर नहीं है, और ये एक इंटरफेस के तौर पे काम करते हैं किस किस के बीच में। सो आपकी जो कैपार्ट है एक साइड पे आपकी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट कह सकते हैं, और दूसरी तरफ होता है एनजीओस। ठीक है, एनजीओ जो कि रूरल इंडिया के अंदर रूरल एरियाज की जो लाइफ है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं, वो चीज गवर्नमेंट भी जाती है, तो कैपार्ट जो है एक तरीके से बीच में इंटरक्टिव रोल जो है वो दोनों के बीच में प्ले करती है। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट हो जाएगी, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर एक बार देख लीजिए कुछ इस तरीके से है ये। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर बात करता है सेंट गुरु रविदास जी के बारे में। इवन दो हमने क्वेश्चन काफी तफसील से काफी डीपली अंडरस्टैंड किया था, समझा था, उसे डिस्कस भी किया था, मैंने काफी सारी चीजें इसके ऊपर आपको बताई थी, लेकिन यहां पर जो टॉपिक है इसको लेकर कुछ बेसिक चीजें जो है वो देख लेते हैं। इसे आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको वो चीजें याद भी हैं जो हमने डिस्कस करी थी। हालांकि स्टेटमेंट्स कुछ अलग है लेकिन एक्सप्लेनेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था। आपको यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है, और अभी जो है गुरु रविदास जयंती जो है उसे सेलिब्रेट किया गया है, माघ पूर्णिमा 27 फरवरी 2021 को द फुल मून डे मनाया जाता है, और यहां पे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और यहां पे जो हमारे सेंट है उनकी जयंती को भी यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है।
पहली सेटन कहती है उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी ताकि कास्ट सिस्टम को एबोलिश किया जा सके. हो सकता है हिज डिवोशनल सॉन्ग्स एंड हिज पोएम्स वर इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ सिख. तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनकी कुछ सॉन्ग्स और उनकी कुछ पोएम्स हैं वो भी रखी गई है. सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन. चलिए कुछ चीजें यहां पर देख लेते हैं. तो गुरु रविदास जी के बारे में बात करें तो ही वॉज अ सेंट ऑफ 14th सेंचुरी. ठीक है, टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. भक्ति मूवमेंट को बिलोंग करते थे, ये चीजें मैंने आपको बताई थी अगर आपको याद हो तो. इट इज बिलीव दैट ही वॉज बोर्न इन वाराणसी इन द कॉबलर्स फैमिली. तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था. ही गेन्ड प्रोमिनेंस ड्यू टू हिज बिलीफ इन वन गॉड. तो एक ही गॉड को मानते थे. अब आप मुझे बताएं, क्योंकि ये चीज मैंने आपसे पूछी, वे सरगुन को मानते थे वो या निर्गुण को मानते थे? ठीक है, सरगुन जिसे सगुन भी कहते हैं, सरगुन को मानते थे या निर्गुन को मानते थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. लेट्स सी कि आपको याद है कि नहीं है. बट यस, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी ताकि जो कास्ट सिस्टम है उसको एबोलिश किया जा सके, उसको खत्म किया जा सके. ठीक है, उनके जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं, उनकी जो पोएम्स हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया, ये चीज मैंने आपको बताई थी. तो दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी योर करेक्ट आंसर. बहुत फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5th, जो कि मैप रिलेटेड क्वेश्चन है. वैसे चिल्का लेक को लेकर यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट चिल्का लेक को लेकर करेक्ट है. ठीक है, आपको करेक्ट बताना है. बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो काफी न्यूज में थे चिल्का लेक को लेकर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. और पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को ही. इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो ये एक बेसिकली ग्राउंड है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए. चिल्का लेक इज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर साइट. रामसर कन्वेंशन के हिसाब से ये पहली इंडियन वेटलैंड भी है जिसको यहां पे जगह दी गई थी, ये भी हो सकता है. थर्ड आता है मेजर अट्रैक्शन एट चिल्का लेक क्या है? गेंजेटिक डॉल्फिन को लोग देखने यहां पर आते हैं. सोचे, चलिए देखिए चिल्का लेक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये जानी कि चिल्का इज द एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड पूरी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्या है? ये लगून. ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट लगून है. एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सेकेंड नंबर पे सबसे बड़ा लगून है. एंड इट इज द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड जहां पर काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं और साथ ही साथ काफी सारे थ्रेटेंड स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल्स भी यहां पर पाए जाते हैं. तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है. ठीक है, इन 1981 चिल्का लेक को डेजिग्नेट किया गया था पहली इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन. ये बात भी आपकी ठीक हो जाती है. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए मेजर अट्रैक्शन चिल्का लेक की क्या है? इरावदी डॉल्फिन जो की है वो एक मेजर अट्रैक्शन है, गेंजेटिक डॉल्फिन नहीं. ठीक है, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट चीज थी कौन सी डॉल्फिन, क्योंकि हमें सुनने में लग सकता है कि ये हमारी गंगा डॉल्फिन होगी बट इट इज इरावदी डॉल्फिन. ठीक है, चलिए यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं. एक यहां पे काफी फेमस कलिजिया टेम्पल जो है वो भी लोकेट करता है. ठीक है, कलिजिया टेम्पल के बारे में भी ध्यान रखिएगा. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज और क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं. इफ यू इंटरेस्टेड इन दिस सीरीज तो आप exam.netmark.com पे जाके एनरोल कर सकते हैं. बेसिकली एग्जाम इज वेरी नियर बाय और यहां पर डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम, देखिए टाइम पहले देख लीजिएगा कितना आप दे सकते हैं. अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे दे सकते हैं जिसमें मेरे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और क्या सेल्फ स्टडी करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा. तो यहां पर अगर आप 4 घंटे दिन में दे सकते हैं तो आप क्रैक यूपीसी एग्जाम 200 डेज की सीरीज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. इसमें जो मेरे असाइनमेंट्स होंगे डेली बेसिस पर उसको जरूर कवर करिएगा और जो सेल्फ स्टडी के लिए मैं कहता हूं वो चीज आप कवर कर सकते हैं इसके अंदर. यहां पर क्रैक यूपीसी एग्जाम 100 डेज सीरीज आर फॉर दोज पीपल जो कि काफी बिजी है और दिन में 2 घंटे का टाइम ही दे सकते हैं. तो इसमें जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए आप उन लेक्चर्स को देखिएगा, साथ ही साथ जो मैंने आपको इसके अंदर प्रैक्टिस के लिए क्विजेस दिए उनको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट करिएगा. साथ ही साथ जो गाइडेंस मैंने इसके अंदर दिए उसको फॉलो करिएगा. You can increase your chances of success here. ठीक है, तो यहां पे क्योंकि टाइम काफी कम है मैं आपसे ये टाइम तो नहीं मांग सकता कि आप 500 दिन मुझे दे दीजिए. जैसे कि मिशन 2022 के अंदर एक पूरी की पूरी हमने
डे वन से लेके डे 500 तक जो असाइनमेंट्स है वो आपको दिए जाते हैं, पूरी एक आप कह सकते कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करी जाती है। बट यस, देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जब टाइम नहीं होता है, जैसे कि जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं अब वो उनके पास 500 दिन का या 200 दिन का 300 दिन का टाइम नहीं है, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन करी जा सकती है उसके लिए आप 100 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट यस, थोड़ा सा अगर ज्यादा टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा दम लगा सकते हैं, तो आई विल सजेस्ट कि 200 डेज की सीरीज में जाएगा। यहां पर आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मिल जाती है, इवन तो 100 डेज के अंदर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। और अगर 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तब आपके पास टाइम ज्यादा है, आई सजेस्ट कि शुरू से ही आप सिर्फ एग्जाम आने का वेट मत करें कि जब एग्जाम आने वाला होगा कुछ महीने पहले ही मैं कोई क्रैश कोर्स या कोई कोचिंग ज्वाइन कर लूंगा, उसका ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो आप अभी से ही इस कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, इस सीरीज को ले सकते हैं 2022 की सीरीज को, ताकि जब तक एग्जाम आपके साथ आए, आपके सामने आए, तो काफी सारा आपकी जो तैयारी है एनसीईआरटी से लेकर आपकी बेसिक बुक्स तक, वैल्यू एडेड मटेरियल तक, वो चीजें आपकी कवर हो चुकी हो। तो इन सभी के लिए आप exam.netmock.com पे जाके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर @prince_luthra पे मुझसे मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ODOP के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया है कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत पूछा है, ध्यान रखिएगा। देन पहली स्टेटमेंट कहती है एम्स टू बूस्ट दैट इकोनॉमी ऑफ द रीजन डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट थ्रू एनकरेजिंग इंडिजिनस एंड स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश करी जा रही है और डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट की अप्रोच जो है उसको फॉलो किया जाएगा। द प्रोग्राम प्रोवाइड्स लोन्स टू लोकल प्रोडक्शन यूनिट्स आर्टिजन्स एंड फार्मर्स। इसके अंदर लोन प्रोवाइड करने का भी कोई प्रोविजन हो सकता है दिया गया, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली जो कर्नाटका बजट है उसके अंदर ODOP के बारे में जिक्र किया गया था, इसे अनाउंस किया गया था, तभी इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। बात करीजिए, गवर्नमेंट सीम्स टू हैव फाइनली स्ट्रक द राइट कोड इन द नॉर्थ ईस्ट विद द एस्पिरेशनल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी स्कीम को लेके आया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आप जानते हैं हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी कुछ ना कुछ जो एक स्किल है या कोई ना कोई प्रोडक्ट है वो काफी फेमस है। तो वहां पे अगर ये स्कीम जाती है तो हर डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट अप मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। ठीक है, क्या इसके अंदर लोन्स के प्रोविजन रखे गए हैं? द प्रोग्राम एम्स टू प्रमोट लोकल इंडिजिनस स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड द क्राफ्ट्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट थ्रू वेरियस डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। और ये जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स दिए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर वी हैव टू प्रोवाइड द लोन। सो लोन की जो फैसिलिटी है लोकल प्रोडक्शन के लिए वो दी गई है, इवन कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स जो है उसको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, मार्केट कैसे करना है प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे उसमें भी हेल्प करी जाएगी, एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को भी फैसिलिटेट इसके अंदर किया जाने वाला है। तो काफी सारे तरीकों से ही लोकल प्रोडक्शन जो है, लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां पे बढ़ावा दिया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अलग अलग रीजन के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या आपके डिस्ट्रिक्ट का जो ODOP है, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, क्या आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रोडक्ट को गवर्नमेंट भी एनहेंस करने की कोशिश कर रही है या फिर कहें कि मार्केट करने की कोशिश कर रही है, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसको आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रही है, अगर आपको पता है वो चीज तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के बताइएगा और उसके सामने उस प्रोडक्ट का नाम लिख के बताइएगा, क्योंकि ये चीजें आपकी नॉलेज एनहेंस करेगी जब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलेगा। और हजारों बच्चे जो और ये वीडियो देख रहे हैं, जब वो अपने कमेंट सेक्शन के अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट और उसके प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे, जब आप उनके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज एनहेंस होगी और इस तरीके के क्वेश्चन जो है इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जा सकते हैं कि आप इस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कि आपको पता है ODOP में कौन सा प्रोडक्ट जो है आपके यहां से फेमस है, क्योंकि कल को जब आप DM बनेंगे, EDM बनेंगे, तो उस प्रोडक्ट को आपको एनहेंस करना पड़ेगा ना, उसको मार्केट करने के लिए हेल्प करना पड़ेगा, तो क्या आपको उसकी नॉलेज है कि नहीं है, ये चीज दर्शाएगा कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज है कि नहीं, आपको ग्राउंड लेवल की नॉलेज है कि नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 MPC के बारे में है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसको लेकर पूछे हैं बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क अंडर द RBI 1935। हो सकता है द गवर्नर ऑफ RBI इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो चेयरमैन कौन होते हैं? RBI गवर्नर। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहली जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताता हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में, इट इज अ स्टैट्यूटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी वाइल कीपिंग द माइंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। तो बेसिकली इसके अंदर फोकस क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है कि किस तरीके से प्राइस को स्टेबल रखा जाए मार्केट के अंदर, एट द सेम टाइम ग्रोथ को बढ़ाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं जब हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन उसके साथ आता है, लेकिन किस तरीके से आपको इन्फ्लेशन को भी बैलेंस करना है साथ ही साथ ग्रोथ डेवलपमेंट को भी लेके जाना है, इसके बारे में बात करी जाती है।
इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर। गवर्नर ऑफ आरबीआई जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं, तो यस गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द कमेटी। सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। पहली स्टेटमेंट जो है वो 1934 की वजह से इनकरेक्ट है, क्योंकि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं कि यूजुअली यूपीएससी के अंदर इस तरीके से साल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यस देयर आर सर्टेन ईयर्स आपको जो याद होने चाहिए, चाहे वो हमारे इस पर्टिकुलर केस के अंदर आरबीआई एक्ट के बारे में हो, या फिर हमारे 2022, 2025, 2030 को लेकर काफी सारे मिशंस जो है वो बनाए गए हैं कि पोलियो को कब एलिमिनेट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कब हमने अचीव करना है, फार्मर्स की इनकम कब डबल करनी है। ये कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको ईयर का भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाने का रीजन यही था, ताकि आपको बताया जा सके कि हर जगह पे साल को नहीं रटना है, लेकिन देर आर सर्टेन एरियाज जहां पर आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है तो कब तक करना है, पोलियो को एलिमिनेट करना है तो कब तक करना है, जब आप डीएम एडीएम बनेंगे तो वहां पर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए ना कि 2024 में आप आ चुके हैं, कि आपको पता होना चाहिए कि 2025 में हमने पोलियो को एलिमिनेट करना है अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के अंदर से एलिमिनेट अगर कर पाएंगे तो ही स्टेटमेंट से एलिमिनेट होगा, स्टेट से एलिमिनेट होगा तभी हमारी कंट्री इंडिया से वो एलिमिनेट हो पाएगा। ठीक है, तभी कुछ साल जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एमपीसी के बारे में बताएं, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिटरमिन करती है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, जैसे कि रेपो रेट क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट क्या है, ये सब चीजों के बारे में ये बात करी जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट फॉर द ईयर 2021 उन्होंने कहा है कि करंट इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो 4 ± 2% रखा गया फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये रिसेंटली न्यूज थी, इस वजह से एमपीसी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है विद रेफरेंस टू राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। ये फ्लैगशिप फेस्टिवल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सिंस 2015। चलिए, द थर्ड एंड द फाइनल एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 इन वेस्ट बंगाल ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी 27 फरवरी को मुर्शिदाबाद के अंदर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। हमने डिस्कशन करना है अपनी स्टेटमेंट को लेकर, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो एक फ्लैगशिप फेस्टिवल है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये 2015 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसके अंदर से एक्टिव पार्टिसिपेशन देखा जाता है 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स से, 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर शोकेस किया जाता है हमारा फोक कल्चर, ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक, कुजीन, कल्चर ऑफ द स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स के बारे में भी। एडिशन जो है इसके आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तवांग, गुजरात, कर्नाटका में ये ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, तो यहां पर भी अभी 28 फरवरी जो था इसमें 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, उसको 14 से 28 फरवरी में हमने सेलिब्रेट किया। और अभी वेस्ट बंगाल कूच बिहार के अंदर 14 से 16 फरवरी 2021 तक अलग अलग लोकेशन पे, दार्जिलिंग के अंदर 22 से 24 तक, मुर्शिदाबाद 27 से 28, जो कि अभी हमने रिसेंटली न्यूज़पेपर में पढ़ा था, ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो यस, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे आप देख सकते हैं डेट्स के हिसाब से बताया कि 22 से 26 को कहां हो रहा है, 22 से 24 को कहां हो रहा है, 27 से 29 मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, वेस्ट बंगाल, एंड यहां पे आपको दार्जिलिंग दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है बीर चिलराई के बारे में पूछा गया, इनके बारे में दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है। बीर चिलराई जो है ही वॉज अ ग्रेट जनरल ऑफ कूच रॉयल डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा, तो उड़ीसा डायनेस्टी से आते थे और डायनेस्टी का नाम क्या, बेसिकली कूच डायनेस्टी से उड़ीसा से आते थे, हो सकता है। द ग्रेट बीर चिलराई इज सिनोनिमस विद वैलोर एंड पैट्रियटिज्म, तो उनका जो सिनोनिमस माना जाता है वैलोर और पैट्रियटिज्म को माना जाता है, देशभक्ति को और वीरता से उनका नाम जो है वो लिया जाता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर जो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने रिमेंबर किया, याद किया है ग्रेट बीर चिलराई को उनकी जयंती के ऊपर। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटीज है उनको बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पुराने ऐसे जो हमारे वीर हुआ करते थे हिस्ट्री के अंदर, जिनका कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया, उनको बार बार ला रहे हैं, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट में वही 4 से 5 हमारे जो नेता होते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे, उन्हीं का नाम बार बार याद आता था और वहां पर क्वेश्चन नहीं बनता था। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो हिस्ट्री में से ऐसे ऐसे
जो वीर हैं, ऐसे ऐसे जो पैट्रियोटिक लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम निकाल रहे हैं। और वहां पर देखिए मिडिवल इंडिया हो, आपका एंशियंट इंडिया से भी सेंट्स के नाम निकाले जा रहे हैं, इवन जो फ्रीडम फाइटर भी थे हमारे जो कि मॉडर्न इंडिया से रिलेट करते हैं उनके भी नाम निकाले जा रहे हैं। वहां पर क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है, इवन पिछले दो तीन प्रीलिम्स में देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का नाम कहीं पर भी इसी तरीके से किसी भी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट होता है वहां पर उनके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये ट्रेंड आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से ही शुरू हुआ है नई गवर्नमेंट के बाद, और ये ऐसे ऐसे नए फ्रीडम फाइटर्स, नई नई इंडियन पर्सनैलिटीज को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं हिस्ट्री की बुक्स के अंदर दबा दिया गया था। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बुक्स, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आपकी मेन स्ट्रीम बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम हो, वहां पर आपको ज्यादा जानने को नहीं मिलेगा, लेकिन अभी वो नाम निकल के आ रहे हैं। ये चीजें आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेंगी क्योंकि किताबों के अंदर मेंशन ही नहीं है, लेकिन यहां पर इनका दोबारा से जिक्र हो रहा है, इनकी जयंती को मनाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर भी शिरकत करें इनकी जो जयंती है उनके अंदर, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। चाहे तो इसके ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा यहां पर आपको इनफ मटेरियल प्रोवाइड करने की। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है, वीर चिल्ला राय 1510 to 1507, ये इनका पूरा ड्यूरेशन है। ही वॉज अ ग्रेट जनरल ऑफ कोच रॉयल डायनेस्टी ऑफ असम, ना कि उड़ीसा, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। कोच रॉयल डायनेस्टी असम को बिलोंग करते थे। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर ऑफ हिज एल्डर ब्रदर जिसका नाम था नारायण। तो अपने भाई की जो पूरी की पूरी डायनेस्टी थी, पूरी एम्पायर थी, उसको एक्सपेंड करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और वैलर और पैट्रियटिज्म के साथ उनके नाम को जोड़ के देखा जाता है। आपको इनकरेक्ट ही बताना था, तो इनकरेक्ट तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट वेरियस प्लेसेस एंड स्टेट्स। रामदेवरा राजस्थान जैसलमेर के अंदर है, हो सकता है रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर है, कालीघाट टेम्पल तेलंगाना के अंदर है। सोचिए 12 आइकॉनिक साइट्स अभी न्यूज में थी अंडर फेज 4 ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, जिसे एसआईपी कहते हैं, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस, जिनको रिसेंटली अनाउंस किया गया है। इसके अंदर काफी सारे नाम हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। 12 नाम है, जिसके अंदर से 3 नाम मैंने आपके सामने दिए, लेकिन कौन कौन से राज्यों से वो आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए आई होप आपने सोच लिया होगा रामदेवरा राजस्थान से बिल्कुल करेक्ट है, तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में इसका नाम भी है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ से इसका नाम भी है, कालीघाट का नाम तो है बट इट इज इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं, नाम देख लेते हैं। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसमें अजंता केव्स को चुना गया महाराष्ट्र से, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश से, देन आपका है कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान से, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान से, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान से, गोलकोंडा हैदराबाद तेलंगाना से, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा से, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल लेक श्रीनगर, बांके बिहारी टेम्पल मथुरा से, आगरा फोर्ट यूपी से, कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल से। द हिंदू पीआईबी की जो करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं उसमें 3rd of March में हम पहुंच चुके हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरी कंट्री के अंदर जो रूसा है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको फंड करने की कोशिश कर रहा है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2013 में लॉन्च करी गई, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात करें तो सबसे इसका सबसे बड़ा एम ये है कि स्ट्रेटेजिक फंडिंग करनी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरे इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे फंडिंग करनी है। द स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड इन मिशन मोड। मिशन मोड कब होता है, देखिए जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे आपको भी काफी सारे काम जो है, हमें भी काफी सारे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव मिलते थे और हमारे जो सीनियर्स होते थे वो कहते थे इसको आपको मिशन मोड में कंप्लीट करना है, तो मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर उसके ऊपर आपको पूरे अपने रिसोर्सेज लगा के उसे कंप्लीट करना होता था। Now this is वन ऑफ those स्कीम्स जिसमें कहा गया था कि आपको मिशन मोड फॉर फंडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को देने की बात करी गई थी, और यहां पे एक्सेस एंड एक्सीलेंस को लेकर भी जो आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं फोकस था वो इसके ऊपर दिया गया था। फंडिंग की बात करें तो यस इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और मैं आपको बता चुका हूं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के अंदर जो एक शेयर होता है वो सेंटर का होता है और एक शेयर आपका स्टेट का होता है। ठीक है, इसे 2013 में लाया गया था एंड सिंस 2016 and 2017 गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1500 करोड़ जो है हर साल खर्च किए। अभी रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उन्होंने रूसा को रिव्यू किया है
तो ये न्यूज में थी, रिव्यू करना जरूरी रहता है इस तरीके की स्कीम्स का कि क्या जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिल भी पा रहे हैं या नहीं। यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, जो कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के बारे में आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा, उसको लेकर है। पूछा गया है कि बताएं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर करेक्ट है, सही है यहां पर। तो मिसरीडिंग नहीं करनी है, कई बार मुझसे भी हो जाती है, तो आपको सही बताना है यहां पर, इनकरेक्ट नहीं बताना है। अ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीओ इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई गई है, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसके अंदर होते हैं, हो सकता है। PO is a generic name for an organization of producers of any produce. PO जो है एक generic name दिया गया है, किसको, ये नाम दिया गया एक organization को जिसमें producers होते हैं, वो कोई भी produce को ला सकते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं discussion। चलिए देखिए, recently Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ने celebrate किया है first anniversary of central sector scheme जिसका नाम था formation and promotion of, जिसमें 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर बेसिकली सपोर्ट किया गया था। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी किस चीज के लिए, यहां पे फॉर्मेशन के लिए और प्रमोशन के लिए, किस चीज के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पे क्योंकि इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं इवेंट को सेलिब्रेट किया गया है, तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो यहां पे अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाएं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीओ जो होता है ये एक लीगल एंटिटी होती है, जिससे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन कौन हो सकता है, इसमें देखिए लेट मी मेक सम स्पेस, इसमें आपके फार्मर्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके फिशरमैन भी हो सकते हैं, इसमें आपके वीवर्स भी हो सकते हैं, और इसमें आपके रूरल आर्टिजन क्राफ्ट्समैन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कंफाइंड टू फार्मर्स ओनली, तो सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं होती, इसमें फिशरमैन भी हैं जो अलाइड एक्टिविटीज में कहलाए जाते हैं, वीवर्स भी होते हैं, रूरल आर्टिजन भी होते हैं और क्राफ्ट्समैन भी होते हैं। पहली स्टेप में आपकी ठीक हो जाती है। पीओ एक जेनेरिक नेम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर, नॉन फार्म प्रोडक्ट्स, आर्टिजन प्रोडक्ट्स जैसे कि मैंने अभी आपको बताया उसके लिए भी किया जाता है। तभी पीओ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सभी आते हैं, लेकिन जब उसके आगे एफ लग जाता है वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्पेसिफिक बन जाता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, तो यस ये बात हमारी ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के जो प्रोड्यूस होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ध्यान रखिएगा एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, सो एज टू फॉर्म एन इफेक्टिव अलायंस टू कलेक्टिवली एड्रेस मेनी चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर के काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया जा सके, तभी इस तरीके के एफपीओ जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। एफपीओज आर जनरली मोबिलाइज बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन, रिसोर्स एजेंसीज, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एसएफएसी के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एफपीओज को सपोर्ट देता है। एसएफएसी के ऊपर वैसे हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कुछ महीने पहले, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, और एफपीओ को ये सपोर्ट करते हैं। एफपीओ को लेकर तो हमने क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर ही लिया। रिसोर्स एजेंसीज की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफपीओज जो है दे आर जनरली मोबिलाइज बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन, तो इसको इसके लिए प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर आरएज होते हैं, रिसोर्स एजेंसीज होती हैं। तो आरए में एग्जांपल अगर आपको दूं तो रिसोर्स एजेंसी लेवरेज द सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एजेंसीज लाइक नबार्ड, तो ऐसे रिसोर्स एजेंसी जो होती है वो गवर्नमेंट से सपोर्ट लेती है, नबार्ड से सपोर्ट लेती है, और फिर फर्दर एफपीओ को सपोर्ट करती है। किस तरीके से, देखिए जो सबसे पीछे कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, और इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि नबार्ड है, और फिर रिसोर्स एजेंसीज इनसे सपोर्ट लेती हैं और एफपीओज को सपोर्ट देती हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे डी हमारा आंसर था क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट थी। थर्ड क्वेश्चन बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरावली रेंज, जिसको रिसेंटली न्यूज में हमने पढ़ा है, पूछा गया इसको लेकर बताएं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है, ठीक है। तो अरावली रेंज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं यहां पर। पहली कहती है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बेसिकली कह सकते हैं सबसे पुराना ना हो लेकिन सबसे पुरानों में से एक, ये एक फोल्ड माउंटेन है, हो सकता है। द सांबर सिरोही रेंज एंड द सांबर खेतरी रेंज डिवाइड्स अरावली रेंज, तो यहां पे दो रेंजेस का नाम दिया है जो कि अरावली को डिवाइड करती हैं। सोचिए इसके बारे में क्या हो सकते हैं आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए अरावलीज की बात करें तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे। अरावलीज जो है आप जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फॉल करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द राजस्थान रीजन, ठीक है। यहां पर इस तरीके से आपको अरावली रेंज दिखती है। तो अरावली ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ये ज्योग्राफी का काफी बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है या नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपसे प्रीलिम्स में और इवन जनरल स्टडीज के पेपर में भी पूछी जाएगी, ठीक है। नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। गुरु शिखर पीक ऑन माउंट आबू इज द हाइएस्ट पीक इन अरावली रेंज जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा गुरु शिखर पीक की बात करी गई है, वो भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इट हैज बीन फॉर्मड प्राइमरली ऑफ द फोल्डेड क्रस्ट व्हेन टू कन्वर्जन प्लेट्स, जब दो कन्वर्जन प्लेट्स एक इस साइड से मान लीजिए इस साइड से, जब वो दोनों कन्वर्जन प्लेट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करती है, ठीक है, और इसी वजह से जो आपका प्रेशर क्रिएट होता है टुवर्ड्स ईच अदर, ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ओरोजेनिक मूवमेंट, इसे ओरोजेनिक मूवमेंट कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पार्शली जो फोल्ड माउंटेन है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका हिंट भी यहां पर ये एक्सप्लेन करते हुए दे दिए, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, ओल्डेस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, तो यस ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है, मैंने आपको बता ही दिया है। अरावली डेट बैक टू मिलियंस ऑफ इयर्स व्हेन अ प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट कोलाइडेड विद द मेनलैंड यूरेशियन प्लेट। तो यहां पे जो आपका सबकॉन्टिनेंट है, प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था तब इसका निर्माण हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारी यहां पर करेक्ट हो जाती है कि जो सांबर सिरोही रेंज है और सांबर केतरी रेंज है वो इसको डिवाइड करती है। दोनों स्टेटमेंट हमारी ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, द माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू टू मेन रेंजेस, दो रेंजेस के अंदर डिवाइड होता है, एक आपकी है सांबर सिरोही रेंज और एक है आपकी सांबर केतरी रेंज राजस्थान के अंदर, ठीक है। और इनकी जो एक्सटेंशन है 560 किलोमीटर की है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगर लोकेशन पूछी जाए द हिडन लिंब, हिडन लिंब कहा जाता है इसे, छुपा हुआ इसका एक पीस कहा जाता है अरावली का, वो दिल्ली तक जाता है, इवन फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार तक भी जाता है। दैट क्रिएट्स अ डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज ऑफ रिवर्स ऑफ गंगा एंड इंडस, इंडस और गंगा के बीच का जो आपका ड्रेनेज डिवाइड है वो भी क्रिएट करता है। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। दिस इज द लोकेशन, जैसे आप देख रहे हैं दिस इज द एंटायर रेंज जो कि आपको दिल्ली तक जाते हुए दिखेगी यहां पर, और इसका हिडन लिंब जो है वो कहते हैं कि हरिद्वार तक जाता है तो ऊपर तक काफी जा रहा है। और वैसे स्टेट्स की बात करीजिए तो यहां पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स कवर किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है महानदी रिवर को लेकर है, पूछा गया महानदी रिवर के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहते हैं द महानदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं गोदावरी कृष्णा के बाद इसका जो नंबर है वो ये तीसरे नंबर पे आती है, हो सकता है। सेकंड, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर आर सेवनाथ रिवर, हस्तेव रिवर, मांद रिवर, इब रिवर, जोरकिंग एंड तेल रिवर। और आपको यहां पे बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बेसिकली अभी न्यूज में थी, ये न्यूज में क्यों महानदी का जिक्र वो आपको बता रहा हूं। एनएचआरसी ने एक नोटिस इशू किया टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ ओवर द एक्शन टेकन टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ पीपल विच आर डिस्प्लेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीराकुंड डैम ओवर द महानदी रिवर अबाउट 6 decades अगो। तो 60 साल पहले जो ये डैम बनाया गया था इसको लेकर यहां पे एनएचआरसी ने अभी एक इशू जो है नोटिस जो है वो इशू किया है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सेक्रेटरीज को कि आपने ये जो बनाया है इसकी वजह से कितने ज्यादा लोगों को सफरिंग्स का सामना करना पड़ा है, कितने ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा है। अबाउट मैं आपको यहां पर बताता हूं बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। 111 विलेजेस दे वर सबमर्ज ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हीराकुंड डैम। जब हीराकुंड डैम बनाया गया उसके आसपास की 22,000 फैमिलीज जो थी वो इंपैक्ट हुई, अफेक्टेड हुई, 19,000 फैमिलीज जो थी उनको डिस्प्लेस कर दिया गया और 111 विलेजेस जो थे वो इसके अंदर सबमर्ज कर गए। तो इसी वजह से एनएचआरसी ने यहां पे जवाब जो है वो मांगा है और इसी वजह से महानदी के ऊपर ही बनाया गया था, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। महानदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा, बिल्कुल ठीक है, एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा स्टेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट हो जाती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज आपकी सारी करेक्ट है, मैंने आपको नाम इसलिए बताया ताकि आप ये याद कर लें क्योंकि ट्रिब्यूटरीज एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी किसकी नहीं है, बिकॉज महानदी इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम रिवर। देखिए जो सेकंड या थर्ड रन की रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिवर और न्यूज में भी है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको रट के जानी है। देखिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज रट के जानी है, लेकिन जो रिवर्स जो नदियां न्यूज में है
उनकी ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज तो आपको रट के जानी ही पड़ेंगी क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी ठीक है। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर एक्सटेंड्स टू छत्तीसगढ़। कैचमेंट एरिया जो रिवर है और उसके आसपास का जो रीजन होता है जो उसकी समर्जेंस के अंदर आता है। कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इट्स बेसिन इज बाउंडेड बाय सेंट्रल इंडिया हिल्स ऑन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया हिल्स है। बाय द ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड पे है। इन सब एरिया से ये जो पर्टिकुलर आपकी रिवर है वो सराउंडेड है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इट राइजेस फ्रॉम अ प्लेस नियर, कोई बता सकते मुझे कहां से ये नदी राइज होती है? इट राइजेस फ्रॉम द प्लेस नियर सिहावा। ठीक है, कहां पे है ये? इट इज इन बस्तर हिल्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके साउथ में है अमरकंटक, जहां से ये नदी राइज करती है। चलिए मेजर ट्रिब्यूटरीज के नाम बता दिए, न्यूज मैंने आपको बता दी और इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें भी इसको लेकर मैंने आपको बता दिए। नाउ दिस इज द लोकेशन और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो यहां पर आपको दे रखी हैं। एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको दे रखी है, आप देख सकते हैं यहां पे हासदियो भी दिख रही है, आपको मानदी रिवर भी दिख रही है, जोंक भी दिख रही है, जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे चलते हैं, जो कि एनएफएसए के बारे में है, पूछा गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में बताएं, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है आपको क्या करना है, आपको फूड प्रोवाइड करना है, आपको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल, ह्यूमन लाइफ साइकिल के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट कहती है हाउस होल्ड कवर अंडर एक्सिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना। तो इसके अंदर जो हाउस होल्ड कवर किए गए वो भी बताया गया कि जो अंत्योदय अन्न योजना के अंडर कवर किए गए उनको यहां पर एलिजिबल बनाया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, नीति आयोग थ्रू अ डिस्कशन पेपर उन्होंने रेकमेंड किया कि रूरल एंड अर्बन कवरेज जो एनएफएसए का है उसे रिड्यूस करेंगे टू 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। तो कहां कहां पे? रूरल एरियाज में 60% और अर्बन एरियाज में 40%। इट हैज आल्सो प्रपोज्ड अ रिवीजन ऑफ बेनिफिशियरीज एज पर द लेटेस्ट पॉपुलेशन। लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से रिवीजन करना जरूरी है, अदरवाइज जो लोग एलिजिबल नहीं है या फिर जो लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको चीजें मिल जाती हैं और जिन लोगों को मिलना चाहिए वो बेचारे रह जाते हैं। इसी वजह से टाइम टू टाइम रिविजन करना काफी जरूरी होता है। यहां पे बात कर लीजिए एनएफएसए 2013 जो है 10th सितंबर 2013 को इसे नोटिफाई किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी की। देखिए कवरेज की बात करें तो 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन देने की बात करी गई थी अंडर टीपीडीएस। टीपीडीएस क्या है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओवरऑल एनएफएसए की बात करी गई तो 67% ऑफ द पॉपुलेशन को इसके अंदर कवरेज दिया गया था और इसी पॉपुलेशन को अभी कम करने की बात करी गई है। प्रायोरिटी हाउसहोल्ड की बात करें तो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड टू बी कवर्ड अंडर टीबीडीएस अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। हाउसिंग्स हाउसहोल्ड्स कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय योजना तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कभी भी किसी योजना या किसी एक्ट के बारे में बात होती है, एनएफएसए के बारे में बात हुई तो वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? देखिए इंपॉर्टेंट चीजें उसकी एलिजिबिलिटी होती है, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो होता है और वो न्यूज में क्यों आती है ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि यहां पर अभी एक रिविजन हो रही है तो करंट अफेयर्स में आपको क्या पता होना चाहिए एनएफएसए के बारे में। इवन दो स्कीम 2013 की है, क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपको लगेगा 2021 के अंदर, देखो 2013 के बारे में यूपीएससी पूछ रहा है, बट यूपीएससी 2013 के बारे में नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी 2021 के बारे में ही पूछ रहा है क्योंकि अभी इसके रिविजन की बात जो है नीति आयोग के द्वारा करी गई है। ठीक है, और यहां पर इसके बारे में जब भी इस तरीके की स्कीम्स के बारे में पढ़े तो उसके स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सक्सेस रेशियो क्या है, क्या क्या चीजें उसने अचीव कर ली है, क्या क्या चीजें अचीव करनी बाकी है और उसके अंदर क्या क्या तब्दीली करने की कोशिश करी जा रही है। ये कुछ चार पांच चीजें जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करती है और आपको मेंस के अंदर भी एक अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से जब भी आप न्यूज पढ़े तो ये चार पांच चीजों को ध्यान में जरूर रखा करिए, कोशिश करा करिए कि आपको ये डेटा जो है इन सब चीजों की नॉलेज है वो मिल जाए। चलिए तो यहां पे डिस्कस करते हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम 200 डेज की सीरीज के बारे में। तो आप इसे exam.netmark.com पे जाकर एनरोल कर सकते हैं। लोग पूछ रहे थे आप में से ही कि कितना टाइम इसको देना चाहिए, तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं दैट इफ यू आर एबल टू गिव 3 to 4 hours इन अ डे जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी भी शामिल रहने वाली है देन यू कैन एनरोल इन द सीरीज। आपको 3 to 4 hours रोज देने हैं जिसमें मैं आपको जो क्लास वीडियोज देता हूं यू हैव टू वॉच दैट। आपको जो मैं असाइनमेंट्स देता हूं वो आपको करने हैं, मैं आपको जो क्विजेस देता हूं वो आपको यहां पे अटेम्प्ट
करने हैं, ठीक है। इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी बढ़ जाती है। दिस इज ओनली फॉर द पीपल जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ना कि 2022 की, बिकॉज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मिशन यूपीएससी 2022 है, बिकॉज दिस इज अ 500 डेज प्रोग्राम जिसमें आपको काफी ज्यादा वैल्यू एडेड मटेरियल मिलता है। देखिए 200 दिन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उतना टाइम नहीं बचा है कि आपको काफी सारी चीजें यहां कराई जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके एग्जाम के लिए वो यहां पर कराई जा रही है आपको, जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। अभी टाइम नहीं है बहुत सारी चीजें पढ़ने का, बट यस 2022 के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहां पर आपको वैल्यू एडेड मटेरियल जो वो भी दिया जाएगा। हालांकि फाउंडेशन 200 डेज के अंदर या 100 डेज की सीरीज के अंदर हमने एनसीईआरटी के लेक्चर्स दिए हैं, उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आप बताइए 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द सीरीज फॉर यू, 2022 के लिए कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। और मैंने यहाँ पे आपको 100 डेज की सीरीज के बारे में भी बताया, दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली, मैं जान के एम्फोसाइज करके बार बार आपको बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि हाउसवाइफ्स हैं, उनको टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, या वर्किंग प्रोफेशनल है और दिन में 2 घंटे का टाइम ही दे सकते हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है 100 डेज के अंदर। इस एग्जाम के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा आप सिलेबस कवर कर सकते हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए 100 दिन के अंदर अननेसेसरी चीजें या फिर ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 500 डेज वालों को तो वो कराया जाएगा क्योंकि उनके लिए तो छोटी सी छोटी चीज भी इंपॉर्टेंट है, उनके पास टाइम भी है, लेकिन क्योंकि बस आपके पास टाइम नहीं है यहां पर आपको वही चीजें कराई जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और उसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो यू कैन गो फॉर 100 डेज अगर आप 2 घंटे का टाइम दे सकते, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, सो आई विल सजेस्ट कि आप 200 डेज के लिए जाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है देख लेते हैं एक बार। सो हियर इट इज मेंशन विद रेफरेंस टू द स्नो लेपर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। इंडिया जो है, सो पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, हो सकता है इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सोचिए इसके बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है करेक्ट नहीं बताना है, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहली स्टेटमेंट की बात करें तो यस इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। बाकी अगर हम आईयूसीएन लिस्ट की बात करें अदरवाइज बात करें सो इट कम्स अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी ऑफ GSLEP, ये क्या है, दैट इज ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो कि 2013 से चल रहा है। ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश की हाई अल्टीट्यूड हिली टेरेन जो है वहां पर अराउंड 73 स्नो लेपर्ड जो है उनको हार्बर करके रखा हुआ है और रीसेंट स्टडी जो है साइंटिफिक इनोबोरेशन के बेसिस पे कहा गया है कि वहां पर 73 जो आपके स्नो लेपर्ड्स हैं उनको हार्बर करके रखा जा सकता है। ये पूरी न्यूज थी, न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्नो लेपर्ड का जिक्र हुआ है तो स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कैच द रेन रिसेंटली न्यूज में था, ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएट करता है। चार नाम आपके सामने हैं, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो कैच द रेन जिसे जल शक्ति अभियान भी कहते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये इनिशिएट किया गया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। इट विल बी अ 100-day कैंपेन फॉर द सेक ऑफ क्लीनिंग अप द वॉटर सोर्सेज अराउंड अस एंड कंजर्विंग रेन वॉटर, तो हमारे आसपास का जो सोर्सेज है जैसे पानी आता है उसको क्लीन करना एंड रेन वॉटर को कंजर्व करना वो इसके अंदर किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेकर दी है। पूछा गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है कि इंप्रूव करना है सोशियो एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया, एशिया के अंदर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को इंप्रूव करने की बात करी गई है। हो सकता है यहां पे जो इसके रीजनल मेंबर्स हैं उनके पास 50% वोटिंग पावर है, सोचिए इसके बारे में फिर इसको करेंगे डिस्कस, और यहां पे आपको करेक्ट बताना है इनकरेक्ट नहीं बताना है, ठीक है। यहां पे डी ऑप्शन आपका हाइड हो गया तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, सोचिए क्या आंसर होगा फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए AIIB जो है इसको लेकर न्यूज थी, सेंटर ने $304 मिलियन का एक पैक्ट जो है
वो AIIB के साथ साइन किया है ताकि पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क असम के अंदर प्रोवाइड किया जा सके। द फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द असम्स इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो असम के अंदर ही जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा, प्रोजेक्ट को एनहेंस किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा, उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन यही है कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एशिया और इसके बियॉन्ड इंप्रूव करी जा सकती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन रीजनल मेंबर्स के पास जो पावर है वो 75% के आसपास होल्ड करी हुई है, 50% इज नॉट द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर कहां पर? AIIB का। देखिए AIIB बी से खत्म हो रहा है तो यहीं से शुरू कर दीजिए, बीजिंग। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, ध्यान रखिएगा। और इसे 2016 के अंदर शुरुआत इसकी करी गई थी। सबसे ज्यादा जो वोटिंग शेयर है वो किसके पास है? चाइना के पास है। क्या परसेंटेज है वो अगर आपको पता है तो बताइएगा। सेकंड नंबर पे इंडिया के पास है, देन रशिया एंड जर्मनी के पास भी परसेंटेज शेयर काफी अच्छे होल्ड किए हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चन्नापटाना टॉय मेकर्स। चन्नापटाना टॉय मेकर्स को लेकर दो स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है चन्नापटाना इज अ सिटी इन द कर्नाटका इंडिया। कर्नाटका के अंदर ये किसी नाम की एक सिटी है, हो सकता है कि इस नाम से एक सिटी भी हो और हो सकता है वो कर्नाटका में हो। दो चीजें आपको यहां पे वेरीफाई करनी है। चन्नापटाना जो है एक बेसिकली इसको टाउन ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हमें सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करना है और मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या आपने क्वेश्चन में से इस चीज को पढ़ा और फिर अगर आपको समझ में आया कि टॉय मेकर्स के लिए क्वेश्चन है और चन्नापटाना जो है टॉय मेकर्स के तौर पे जानी जाती है तो उसे टाउन ऑफ टॉयज कहा जाएगा, टाउन ऑफ हैंडीक्राफ्ट थोड़ा कहा जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट तो हमारी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। और फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यस दिस सिटी इज लोकेटेड इन कर्नाटका, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चन्नापटाना इज अ सिटी इन कर्नाटका, सिटी इज फेमस फॉर इट्स वुडन टॉयज, अपने लकड़ी के जो इनके टॉयज होते हैं उसके लिए काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट FATF was founded to tackle which of the following? FATF किसको टैकल करने के लिए बनाया गया है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, इलीगल ट्रेड इन एक्सोटिक स्पीसीज के लिए। सोचिए FATF न्यूज में था, एज यूजुअल पाकिस्तान की वजह से ही, ग्रे लिस्ट की वजह से न्यूज में था। FATF एक बॉडी है जैसे 1989 में बनाया गया था, इसका जो हेडक्वार्टर है OECD पेरिस के हेडक्वार्टर के अंदर है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेरर फाइनेंसिंग, इवन इलीगल ट्रेड जो होता है स्पीसीज के अंदर उसको भी ये रोकता है। करंटली इसके कितने मेंबर्स हैं? देखिए कल हमने डिस्कस किया था वैसे इस चीज को, इसके अंदर 39 मेंबर्स हैं। तो ध्यान रखिएगा 37 तो आपकी कंट्रीज हैं, दो रीजनल ज्यूरिसडिक्शन है, उन दो रीजनल ज्यूरिसडिक्शन के नाम मैंने आपको कल बताए थे, उनके नाम आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है और ये जून 2018 से, आज का नहीं है, जून 2018 से, तो 3 साल होने वाले हैं। दिस इज द हाई टाइम कि आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग अभी भी उसकी तरफ से करी जाती है। चलिए करंट अफेयर्स की सीरीज में 4 मार्च में हम पहुंच चुके हैं। तो यहां पे हमारा डिस्कशन होगा डेजर्ट फ्लैग 6 एक्सरसाइज जो है, इसको लेकर कुछ नई चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ब्लैक ब्राउट बॉबलर के बारे में जानेंगे, कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को डिस्कस करते हुए पर्पल रेवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कशन हमारा होगा। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क को इसकी लोकेशन वाइज देखेंगे। अरोमा मिशन क्या है ये आपके मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देन खुशलीगढ़ क्या है इसको जानेंगे। इसके बाद मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हुए वर्ल्ड वाइल्ड डे को लेकर एक क्वेश्चन हमने बनाया है। और फिर फाइनली कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस जो मैच द फॉलोइंग करना है वो एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 के बारे में पूछा गया कि बताएं इसको लेकर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। ध्यान रखिएगा गलत पूछा है आपसे, सही नहीं पूछा है। इट इज एन एनुअल मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वॉरफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाय द ओमान एयरफोर्स। हो सकता है ओमान एयरफोर्स के द्वारा ये मल्टीनेशनल लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज करी जा रही हो। इट एम्स टू प्रोवाइड ऑपरेशनल एक्सपोजर टू पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस टू अंडरटेक सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट ऑपरेशंस इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। तो हो सकता है सिमुलेटेड एनवायरमेंट कुछ प्रोवाइड किया जाता हो ताकि यहां पे कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में एक्सरसाइज के जो स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिस किया जा सके। इसके बारे में सोचिए एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 का मतलब यहां पे होगा 6th एडिशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे सोचिए इसके बारे में, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये एक्सरसाइज के बारे में हमने जिक्र क्यों किया, आपको क्या लगता है इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा होगा? देखिए यस या नो, कॉमन सेंस अगर हम यूज करें, अगर हमें नॉलेज नहीं भी है तो देखिए क्वेश्चन क्यों बनाया गया होगा। अगर इंडिया से इसका कोई लेना देना नहीं होता तो चांसेस काफी कम थे कि हम इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते। इंडिया इज गोइंग टू ज्वाइन दिस एक्सरसाइज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इंडिया पहली बार इसके अंदर पार्टिसिपेशन अपना देने जा रहा है।
इसी वजह से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए. सो इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 जो कि यूएई एयरफोर्स के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जा रही है. तो आपकी पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है. बट यस, यहां पे एक सिमुलेटेड एनवायरमेंट. देखिए, आपको पता है कि सिमुलेशन, जो लोग थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि जो एयर पायलट्स होते हैं आपके, जो प्लेन्स वगैरह को उड़ाते हैं, तो उनको एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है. ऐसा नहीं कि हर बार वो प्लेन में बैठकर ही प्लेन उड़ाना सीखते हैं. सबसे पहले तो उनको सिमुलेटेड एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे कि आप वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उसमें ऐसा ही लगता है एक्चुअल में आप प्लेन उड़ा रहे हैं, बट एक वो सिमुलेटेड कंट्रोल्ड एक रूम के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जहां पर यह किया जाता है. तो वैसे ही एक यहां पर सिमुलेटेड एयर कॉम्बैट एनवायरमेंट जो है वो क्रिएट किया गया, ताकि जो आपके एयर फोर्सेस में लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो प्रैक्टिस कर सके. तो यहां पे सेकंड जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है. इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगर आप नाम जानते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है. और साथ ही साथ इससे मिलती जुलती एक एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट. वो किसके साथ इंडिया कंडक्ट कर रहा था, उस कंट्री का नाम भी मुझे बताइएगा. हम जितनी भी चीजें यहां पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक ही चीज पढ़ेंगे, उससे एसोसिएटेड चीजें जो हमने पहले पढ़ी हैं उसको भी साथ साथ रिवाइज करते हुए चलेंगे, और कमेंट सेक्शन में आंसर आप यहां पे करने वाले हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, चलते हैं. यहां पे देखिए, आपको इनकरेक्ट बताना था ना, तभी आपका आंसर जो था यहां पे ए था, ठीक है. पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट, और आपको बताना क्या था, इनकरेक्ट ही बताना था. सो ए इज द करेक्ट आंसर. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन बात कर रहा है ब्लैक ब्राउड बॉबलर के बारे में. ब्लैक ब्राउड बॉबलर को लेकर पूछा गया है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तीन स्टेटमेंट है, इवन तो हमने इस स्पीसीज को लेकर पहले भी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन वहां पर कुछ हमने अलग से फैक्ट्स पूछे थे, अभी कुछ नए फैक्ट्स जो है उसको लेकर यहां क्वेश्चन बनाया गया. इट इज ए न्यूली डिस्कवर्ड इन साउथ ईस्टर्न कैलिमेंटन पार्ट ऑफ बोर्नियो. तो ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, जिसको कहां पे पाया गया, बोर्नियो के अंदर हो सकता है. दिस बर्ड इज ऑफन कॉल्ड द बिगेस्ट एनिग्मा इन इंडोनेशिया ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है. तो यहां पे ये इंडोनेशिया की ऑर्निथोलॉजी के अंदर एक एनिग्मा, एक पहेली की तरह हो सकता है. इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज. तो यहां पे इसका जो स्टेटस है IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से वो भी बता दिया गया है. सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन. चलिए, तो यहां पर रिसेंटली अ ब्लैक ब्राउड बॉबलर जो है उसको डिस्कवर किया गया है. ऐसा माना जा रहा था कि ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज, ये जो पर्टिकुलर बर्ड है, ये लुप्त हो चुका है, लेकिन 170 साल के बाद इसे दोबारा इंडोनेशिया में देखा गया है, और बिकॉज ऑफ द वेरी सेम रीजन इसको यहां पे एनिग्मा माना जाता है. तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, ब्लैक ब्राउड बॉबलर जो है ये डिस्कवर्ड किया गया साउथ ईस्टर्न कैलिमेंटन के अंदर, और ये जो है आपका, तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी न्यूली डिस्कवर्ड, तो ये न्यूली डिस्कवर नहीं है, इसे दोबारा से रीडिस्कवर किया गया है. इवन द लोकेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन न्यूली की वजह से ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है आपकी गलत हो जाती है, ठीक है. सो इट इज रीडिस्कवर्ड, नॉट न्यूली डिस्कवर्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा. दैट इज द डिफरेंस. इस तरीके से एक एक शब्द जो है वो यूपीएससी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो अ ब्लैक ब्राउड बॉबलर इज रीडिस्कवर्ड इन साउथ ईस्टर्न कैलिमेंटन द पार्ट ऑफ बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है. सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, द बर्ड इज ऑफन कॉल्ड द बिगेस्ट एनिग्मा. ये तो मैंने आपको बता दिया, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी हो जाती है. थर्ड स्टेटमेंट, इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड, नहीं, IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से डेटा डेफिशिएंट माना गया इसको लेकर. तो इसके ऊपर कोई भी यहां पे IUCN ने नहीं कहा कि वेदर इट इज वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न. डेटा डेफिशिएंट इज द करेक्ट कैटेगराइजेशन. आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, बाकी सभी आपकी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हो जाती है. चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्नाटका इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज. तो यहां पे कर्नाटका की डेवलपमेंट पॉलिसी अभी काफी न्यूज में थी, उसको लेकर पूछा गया, बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है. द गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट इन स्किलिंग, इंप्रूव एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन. इसके अंदर सरकार जो है वो स्किलिंग के अंदर पैसा लगाने वाली है, एकेडेमिया के अंदर, और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन भी इसके अंदर होने वाला है. It aims to promote innovation. The government will provide funding to colleges projects only. तो कॉलेज के प्रोजेक्ट को ही यहां पर फंडिंग दी जाएगी और इनोवेशन को इसके अंदर प्रमोट किया जाने वाला है. सोचिए, कर्नाटका ने रिसेंटली बेसिकली कंट्री का मेडल अपने आप में अकेला इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी जो है वो लेके आया. हो सकता है कर्नाटका के बाद बाकी के जो सभी राज्य हैं वो भी धीरे धीरे करके इस तरीके की पॉलिसीज को लाना शुरू करें और इस तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर अपना योगदान देना शुरू करें. सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है.
चलिए देखिए, सबसे पहले पहली स्टेटमेंट को उठाते हैं, तो गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट इन स्किलिंग। जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, जब कर्नाटक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्किलिंग के ऊपर तो पैसा खर्च किया जाएगा, एकेडेमिया को भी बुलाया जाएगा, इंडस्ट्री से भी कोलैबोरेट किया जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है और ये चीज आज की नहीं है, काफी पहले से ये चीज के ऊपर बात हो रही है। जब हम लोग तैयारी करते थे, जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था, तब भी ये चीज चलती थी कि हमारे कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन कराना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की एजुकेशन कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में दी जाती है, जब ये लोग जॉब करने जाते हैं वहां पे एक मिसमैच देखा जाता है, जिस तरीके की आप कह सकते हैं स्किल की, जिस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स की इंडस्ट्री को जरूरत पड़ती है, उस तरीके के ह्यूमन रिसोर्स कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो प्रोड्यूस है वो नहीं की जा रही, क्योंकि जो चीजें पढ़ाई जा रही है कॉलेजेस के अंदर उसका इंडस्ट्री के अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है वो काफी कम था। ठीक है, तो यहां पे कोलैबोरेशन जब होगा तो कॉलेजेस को पता चलेगा इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से वो अपने करिकुलम को यहां पे रीडिफाइन कर पाएंगे। पहली जो स्टेटमेंट आपकी है यहां पे करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं, इट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन। तो यस, इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा क्योंकि आरएनडी की बात करी जा रही है, बट यहां पे क्या कॉलेजेस के प्रोजेक्ट्स ही होने वाले हैं ओनली की वजह से स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्योंकि टू प्रमोट इनोवेशन इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंडिंग। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंडिंग टू हूम? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फंडिंग टू कॉलेजेस फॉर प्रोजेक्ट्स एंड विल ऑल्सो फंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज। तो यहां पे कॉलेजेस और उसके अंदर जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपके कोर्सेज होने वाले हैं उनको भी यहां फंड किया जाएगा और यूनिवर्सिटीज को भी यहां पर फंड किया जाएगा। दिस इज सो दैट टैलेंट्स आर इन लाइन विद इंडस्ट्री डिमांड। मैंने आपको कहा था ना कि इंडस्ट्री डिमांड करती है एक सर्टेन स्किल। इंडस्ट्री डिमांड करती है कि मुझे 10 लोगों को हायर करना है लेकिन उसके पास ये स्किल्स होने चाहिए। अब कॉलेजेस जो हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हजारों लोग प्रोड्यूस कर रही है, हजारों यहां पे जो हमारे यूथ है वो जॉब के लिए प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उनकी जो स्किल्स है, स्किल्स तो उनके पास भी है बट दे आर नॉट मैचिंग विद द स्किल्स रिक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री के अंदर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और जो यूनिवर्सिटी उनको दे रही है उनके बीच में मिसमैच है। इसी वजह से इंडस्ट्री को कहा है कि कोलैबोरेट करो और इंडस्ट्री कह रही है हम सिर्फ कोलैबोरेट ही नहीं करेंगे, हम आपको कोर्सेज से कंसर्निंग फंड भी करेंगे। इसी वजह से देखिए, मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन आई हैव सीन इन द वेरियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कि वहां पर इस तरीके के कोर्सेज, किस तरीके के, जो जहां पे आपको बिटकॉइंस के बारे में बताया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि दिस इज द फ्यूचर थिंग जो कि आने वाली है। साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग से कोर्सेज बने हुए मैंने काफी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में देखा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनको पता है दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्यूचर और अभी आगे आने वाले टाइम में इंडस्ट्री और जब कॉलेज का और भी कोलैबोरेशन हो रहा है तो इंडस्ट्री खुद ही कहेगी कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आप कोर्स स्टार्ट करो, मैं आपके बच्चों को हायर करूंगा और मैं आपको फंड भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो आप 20 लोगों का एक बैच बनाओ, या मुझे 200 लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप 200 लोगों का एक बैच बनाओ और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में 2 साल का कोर्स चलाओ, तो मैं कोर्स को फंड भी करूंगा और आपके जो यहां पे ह्यूमन रिसोर्स आप पैदा करेंगे उसको मैं हायर भी करूंगा। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशन काफी जरूरी है जो कि अभी देखा भी जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट थी, फर्स्ट इज करेक्ट, आंसर विल बी ए। चलिए नाउ यहां पे ये जो इन्फोग्राफिक है वो ले लीजिएगा, आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है विद रेफरेंस टू पर्पल रेवोल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट दोनों में से करेक्ट है पर्पल रेवोल्यूशन को लेकर। पहली कहती है लेवेंडर कल्टीवेशन इज कॉल्ड पर्पल रेवोल्यूशन, तो लेवेंडर का जब कल्टीवेशन किया जाएगा उसे पर्पल रेवोल्यूशन के तौर पर जाना जाता है। इट इज टू सपोर्ट डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड एग्रो इकोनॉमी बाय मूविंग फ्रॉम इंपोर्टेड एरोमेटिक ऑयल्स टू होम ग्रोन वेराइटीज। तो यहां पर किया क्या जा रहा है, बेसिकली जो एरोमेटिक ऑयल जिसकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ रही है और जो आपका अपर मिडिल क्लास है या फिर उससे ऊपर का इवन होटल्स के अंदर भी इस तरीके की जो रिक्वायरमेंट है ऑयल्स की, एरोमेटिक ऑयल्स की, वो काफी ज्यादा है, तो वहां पर किस तरीके से डोमेस्टिक एरोमेटिक क्रॉप्स जो है उसको बढ़ावा देकर इसमें इंपोर्ट को कम किया जा सके और रादर इंडिजिनस प्रोडक्शन किया जा सके और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, इसकी बात करी गई है। सोचिए आपको बताया गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको बताना है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अराउंड 500 फार्मर्स जो कि दोदा डिस्ट्रिक्ट जम्मू के हैं, उन्होंने अपनी इनकम को 4 गुना कर दिया। ठीक है, 2022 तक सरकार तो कहती है कि हम फार्मर्स की इनकम को डबल करेंगे और यहां पे जो फार्मर्स हैं उन्होंने ही अपना एक इनिशिएटिव लेते हुए, इवन तो सरकार का भी योगदान इसमें रहा है, उन्होंने अपनी इनकम को 4 गुना कर दिया है क्योंकि पहले वो मेज उगाया करते थे और अभी उन्होंने शिफ्ट किया लेवेंडर कल्टीवेशन की तरफ। ठीक है, यहां पे इसे पर्पल रेवोल्यूशन के तौर पे देखा जा रहा है क्योंकि किसान की आय जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि जो एक लोअर तबका होता है उसके पास परचेजिंग पावर आएगी। इट वॉज पॉसिबल ड्यू टू इनिशिएटिव टेकर अंडर द अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के अंदर सरकार ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए जिसकी वजह से
जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी इनकम चार गुना हुई है। उन्होंने बस एक शिफ्ट किया, पहले मेज उगाया करते थे और उसके बाद शिफ्ट कर दिया लेवेंडर की तरफ। ठीक है, इन जम्मू अगर बात करें, क्योंकि लेवेंडर हर जगह नहीं उगाया जा सकता है, एक स्पेसिफिक एरिया इसको चाहिए होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है। इन जम्मू हैड देयर इनकम क्वाड्रपल, ये तो हो गया। ठीक है, तो यहां पे ये भी आपको पता चल गया कि लेवेंडर की बात करी जा रही है, पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है और सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए ही बता दिया था, क्योंकि अगर लेवेंडर या फिर दूसरे एरोमेटिक ऑयल्स हैं उसकी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर करी जाती है, तो आने वाले टाइम में इनको इंपोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ इंडिजिनस डिमांड को केटर करने के बाद जो यहां पे ऑयल बचेंगे हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स के अंदर भी इसकी एरोमेटिक ऑयल्स की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के ऊपर, जो कि डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क को लेकर है। पूछा कि इसकी लोकेशन बताएं, कहां पर है ये, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या मेघालय। रिसेंटली न्यूज थी वेटलैंड इज 500 मीटर अवे फ्रॉम द ऑयल वेल, जिसमें अभी एक एक्सप्लोजन जो था कुछ टाइम पहले देखा गया था और इसी की वजह से ये क्वेश्चन जो है यहां पे बनाया गया है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, बेसिकली डिब्रू साइकोवा का एक बार जिक्र दोबारा हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर, इवन द न्यूज जो थी ये जो एक्सप्लोजन की थोड़ी पुरानी थी, तो यहाँ पे क्योंकि इसका जिक्र दोबारा हुआ है तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। डिब्रू साइकोवा इज क्वाइट इजी, यहाँ पे कहां पे लोकेट करता है, इट इज इन आसाम, ए इज द करेक्ट आंसर। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है जो कि आसाम डिब्रूगढ़ तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल लास्ट में जाके पड़ता है वहां पर लोकेट करता है। इट वॉज डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व, इसे बायोस्फीयर रिजर्व के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है 1997 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाने से पहले क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को आप एनरोल कर सकते हैं exam.netmock.com पे जाकर। और मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप अपकमिंग प्रीलिम्स 2021 देना चाहते हैं तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को आप एनरोल कर सकते हैं। 100 डेज के अंदर मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स होने वाले, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें आपका स्टैटिक और करंट दोनों कवर किया गया है, वो आप यहां पर कर सकते हैं कम से कम मिनिमम टाइम के अंदर। तो 2 से 2.5 घंटे का टाइम यहां पे आपको देना पड़ेगा। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे तो आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम दें, और अगर आप 3 से 4 घंटे का टाइम दे देते हैं तो यू कैन एनरोल इन द क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज। इसके अंदर आपको काफी सारे प्रैक्टिस के लिए जो क्विजेज है वो भी दिए जाएंगे, अलोंग विद द लेक्चर्स, जो कि क्लास लेक्चर्स एंड एमसीक्यू वीडियोस जो है वो मैं आपको देता हूं। तो काफी जो पूरा प्रोग्राम रहने वाला है इसमें दो ही कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक है आपके वीडियो लेक्चर्स, सेकंड आपके क्विजेज। दोनों अगर आप अच्छे से करके जाते हैं देन योर प्रोबेबिलिटी टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो exam.netmock.com पे जाकर आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, विद रेफरेंस टू अरोमा मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन यहां पर गलत है। पहला कहता है CSIR aims to bring transformative changes in the aroma sector through desire इंटरवेंशन। तो क्या इसमें CSIR का रोल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है। द मिशन विल प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ एरोमेटिक क्रॉप्स फॉर एसेंशियल ऑयल्स दैट आर इन ग्रेट डिमांड बाय द एरोमा इंडस्ट्री। इसमें क्या होगा, जो एरोमेटिक क्रॉप्स है उनके प्रमोशन किया जाएगा कि किस तरीके से उसको ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट किया जाए और यहां पर एरोमा इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप किया जाए। सोचिए, चलिए देखिए सेकंड स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली है, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को, तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी यहां पर क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है। राइट, समझ में आ रहा है? यस, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इजिली हम इसे कह सकते हैं कि हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो CSIR क्या इसमें इन्वॉल्व है, तो यस ऑब्जेक्टिव क्या है, CSIR अरोमा मिशन ये एनविसाज करता है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो है हमें अरोमा सेक्टर के अंदर लाने हैं, इंपोर्ट को कम करना है, इंडिजिनस उगाना है और एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, इंडिजिनस उगाना है, एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट को रोकना है। ठीक है, तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। जम्मू का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है खुजलीगर, ये बेसिकली ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है जो किससे रिलेट करती है। चार आपको ऑप्शन दिए, खुजलीगर दोबारा से न्यूज में था अभी, बेसिकली ये जो जगह है जहां से ये आता है वहां के कुछ विलेजेस ने कहा है कि ये जो पनिशमेंट पहले कभी खत्म कर दी गई थी, अब इस पनिशमेंट को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है। तो इस गांव में क्या होता है या फिर आसपास के जो गांव है इस रीजन के अंदर, वहां पर एक खुजलीगर टाइप एक बॉक्स सा बनाया हुआ है और वहां पर जो लोग क्राइम करते हैं उनको पनिशमेंट के तौर पे उस डब्बे के अंदर डाल दिया जाता है। राइट, तो यहां पे आपको बताना है कहां से आता है, असम, मिजोरम, नागालैंड या मणिपुर से। सोचिए, चलिए बेसिकली खुजलीगर इज अ क्राइम ट्राइंगुलर केज होता है जो कि लॉग्स, इसमें बेसिकली जो लकड़ी के लॉग्स होते हैं उससे बना होता है। और इसमें क्या है, मैसेंग फंग जो है एक लोकल ट्री है
उसको लगाया जाता है, उसी के लॉग्स होते हैं, ताकि जो भी व्यक्ति इसके अंदर बैठा होगा उसको इरिटेशन हो और कहीं ना कहीं उसके क्राइम के लिए उसको सजा देने की बात करी गई है। ठीक है, तो ये आता है आपका नागालैंड से, सी इज द करेक्ट आंसर, कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, चलिए, तो ये लॉग्स आपको दिख रहे होंगे, तो मैं सैंग जो फ्लैंक इसका ट्री है, मैं उसका एक बार नाम यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा टिपिकल नेम है, हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए, मैसेंग फैंग। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर एट बात करता है मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन के बारे में, और पूछा गया इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड रिड्यूसिंग डिले, तो इसमें जो ट्रेन जो है उसमें देरी हो जाती है, डिले हो जाती है, या फिर एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रोकने में हेल्प करेगा ये। एंड MTRC एक्ट्स इन अ सिमिलर वे सो दैट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फॉर एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे MTRC जो है वो कोशिश कर रहा है इस तरीके का सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के लिए भी ला दिया जाए, सॉरी ARC के लिए भी ला दिया जाए। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम जो एक इफेक्टिव एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में ट्रेन जो डिलेज होते हैं, ट्रेन के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको रोका जा सकता है। दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इवन MTRC ने भी कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए भी हम इस तरीके के जो सिस्टम है वो लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन जो MTRC है, ये एक सिस्टम है जिसे कमीशन किया गया वेस्टर्न रेलवे के द्वारा, मुंबई के अंदर शुरू किया गया, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बाकी जगह भी इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट MTRC इज कमीशन इन इंडियन रेलवे। सिस्टम मॉनिटर करता है, ट्रैक करता है कम्युनिकेशन को बिटवीन ट्रेन, तो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में कंट्रोल रूम में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है उसके ऊपर इसमें ध्यान दिया जाता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट MTRC इज कमीशन इन इंडियन रेलवे, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, तो ये भी एक स्टेटमेंट बनकर आ सकती है। दोनों स्टेटमेंट सी होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बात करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में, और पूछा है इसको लेकर बताएं आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से। ध्यान रखिएगा, करेक्ट नहीं पूछा है, अभी इनकरेक्ट पूछा है। मिसरीडिंग मत करिएगा, क्योंकि मिसरीडिंग से गलती होगी, क्वेश्चन के आते हुए क्वेश्चन गलत होगा तो बहुत ज्यादा बुरा आपको लगने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को लेकर है। पहला क्या स्टेटमेंट कहता है, द डे विल बी सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, तो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, हो सकता है। दिस डे विल सेलिब्रेट टू प्रमोट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो यहां पे बेसिकली किस चीज को प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है, हमारे जो फॉरेस्ट है उसको, और या फिर उनको जो उसके अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसको मैनेजमेंट करने की जो प्रैक्टिसेस है उसको यहां पे प्रमोट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सोचिए, चलिए, तो कल हमने 3 मार्च था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो था उसे यहां पर ऑब्जर्व किया, सेलिब्रेट किया। यहां पर इस दिन को मनाने के लिए जो एजेंसी है दैट इज UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। द डे विल बी या फिर द डे विल सेलिब्रेट टू प्रमोट फॉरेस्ट, तो यस, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ है उसको मैनेज करने की जो प्रैक्टिसेस है उसको प्रमोट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड्स, क्योंकि काफी सारे लोगों की जो जीविका होती है, जो लाइवलीहुड होती है वो फॉरेस्ट के ऊपर ही निर्भर करती है, उसको भी प्रमोट इसके अंदर किया जाता है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है, और किस तरीके से जो ये प्रैक्टिसेस है उसको एकोमोडेट किया जा सकता है ह्यूमन वेलबींग के लिए, वो उसके बारे में भी बात करी जाती है। लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन हमारे जंगलों का कैसे किया जा सकता है उसके बारे में भी बात होती है, और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को किस तरीके से वैल्यू दी जा सकती है जो कि फॉरेस्ट से कंसर्निंग है उसको लेकर भी यहां पर बात करी जाती है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जो पूरा नेचुरल सिस्टम है ये काफी क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारी सस्टेनेबल लाइफ के अंदर भी, इस वजह से इस तरीके के दिनों को सेलिब्रेट भी किया जाता है और प्रमोट भी किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहां पे इनकरेक्ट बताना था, तो सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आज के लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। तो यहां पे लेफ्ट साइड में आपको काफी सारी एक्सरसाइजेस दी है और राइट साइड पे कंट्रीज के नाम दिए हैं। पिच ब्लैक के सामने दिया है USA, क्या ये मैच करता है, क्या ये मेल खाता है। व्हाट अबाउट रेड फ्लैग, ऑस्ट्रेलिया, मे बी। डेजर्ट फ्लैग, UAE, मे बी। आपको करेक्टली मैच करना है, इनकरेक्टली नहीं करना है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सबसे पहले तो डेजर्ट फ्लैग मैंने इसलिए लगाया यहां पे क्योंकि आपने अभी ये पढ़ा है, तो इससे भी पता चल जाएगा कि आपने वहां पे उस क्वेश्चन के ऊपर जो अभी हमने किया इसी वीडियो के अंदर वहां आपने ध्यान दिया या नहीं दिया। अगर दिया तो ये आपको मैच करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, अगर परेशानी हुई है इट मींस आपको थोड़ा सा और ध्यान से वीडियोस को देखना पड़ेगा, मन लगा के वीडियो को देखना पड़ेगा, फोकस के साथ देखना पड़ेगा। मोबाइल्स वगैरह में आप अपने नोटिफिकेशन को ऑफ करके इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और फिर बाद में नोट बनाइएगा, नोट्स भी बनाने जरूरी है। यहां पे थर्ड स्टेटमेंट क्योंकि आपकी करेक्ट हो जाती है, तो अगर आप ये कर देते तो आप सीधा ही 50%
आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इस क्वेश्चन को ठीक करने की, बेसिकली आप 50% पे पहुंच जाते क्योंकि या तो आंसर ए होता देन या फिर डी होता, ठीक है, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है वो ए में है और डी में है। अगर बात करी जाए पिच ब्लैक, याद आ रहा है ये हमने पढ़ा था, मुझे याद है अच्छे से, यस, बाइनियल मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि हम करते हैं किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। और रेड फ्लैग किसके साथ करते हैं, रेड फ्लैग मुझे आप बताइए क्या हम यूएसए के साथ करते हैं या हम चाइना के साथ करते हैं। लास्ट टाइम भी जब मैंने आपको ये बताया था तो मैंने आपको कहा था कि रेड पे मत जाइएगा, ठीक है, रेड फ्लैग पे जाएंगे तो हो सकता है आंसर को गलत कर दे। नेवरदलेस रेड फ्लैग किसके साथ करी जाती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब तो मैंने काफी हिंट भी आपको दे दिया, पहले जो दो पेयर है वो मैच नहीं करते हैं, वो मेल नहीं खाते हैं, इस वजह से डी विल बी योर करेक्ट आंसर। करंट अफेयर्स की सीरीज में 5th मार्च पे हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्कशन होगा सीआरसीएल को लेकर रहने वाला है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे, राइट टू एजुकेशन को लेकर भी एक क्वेश्चन हमारा होगा, सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेकर डिस्कशन होगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2020 इसको लेकर हमारा डिस्कशन होगा, एक एमसीक्यू फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट को लेकर भी होगा, एंड फाइनली एक टाइगर रिजर्व को लेकर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट सीआरसीएल सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लैब, तो इसको लेकर एक क्वेश्चन हमने रात को भी डिस्कस किया था, बट हियर समथिंग डिफरेंट इज आस्क्ड, तो यहां पे पूछा इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कहती है रेवेन्यू लैब आर फैसिलिटेटिंग फास्टर क्लियरेंसेस एंड प्ले अ वाइटल रोल इन ट्रेड फैसिलिटेशन, तो फास्टर क्लियरेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ट्रेड फैसिलिटेशन में भी ये अपना रोल प्ले करती है। इसका जो हेडक्वार्टर या फिर ये कहां पे लोकेट करती है, न्यू दिल्ली में लोकेट करती है। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सीआरसीएल के बारे में बात करें तो यस न्यू दिल्ली के अंदर लोकेट करती है और ये आती है किसके अंदर, रात को बताया था सीबीआईटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अंदर ये आती है, जिसको अभी आरसीएल के तौर पे रिकॉग्नाइज किया, तो सीआरसीएल बेसिकली आरसीएल के तौर पे विच मींस रीजनल कस्टम लैब के तौर पे इसे रिकॉग्नाइज किया है ऑफ द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, तो इसका जो एक औहदा है वो यहां पर बढ़ा दिया गया। 1939 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, न्यू दिल्ली में लोकेट करती है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसका मेन काम यही है कि किस तरीके से फास्टर क्लियरेंसेस किया जा सकता है कस्टम्स के अंदर, आप देखते हैं काफी सारी चीजों को यहां पे एक क्लियरेंस के थ्रू गुजरना पड़ता है, तो उसके अंदर कैसे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ सकती है वो सारा काम इसके द्वारा किया जाता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सी है, तो इनकरेक्ट तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है, गलत इसमें से कोई भी नहीं है, सीबीआईटी के अंदर है, ध्यान रखिएगा सीबीडीटी के अंदर नहीं है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर हम सेकंड क्वेश्चन पूछने वाले हैं, यहां पूछा है कि बताएं इसको लेकर स्टेटमेंट कौन सी है, क्योंकि अभी पीछे हमने सीआरसीएल जो है यही चीज पढ़ी उसके बारे में कि वो डब्ल्यूसीओ दैट इज वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की आरसीएल बन गई है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, तो औहदा जो है उसका बढ़ाया गया है वो भी डब्ल्यूसीओ के साथ उसे एसोसिएट करके, बट व्हाट अबाउट डब्ल्यूसीओ, डब्ल्यूसीओ खुद क्या है, क्योंकि क्वेश्चन सीआरसीएल पे भी पूछा जा सकता है, न्यूज में थी वो, लेकिन उसके साथ साथ डब्ल्यूसीओ भी न्यूज में थी, ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, हो सकता है। सेकंड, इट इज द ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद कॉम्पिटेंस इन कस्टम मैटर्स, जिसके पास कस्टम मैटर्स के अंदर कॉम्पिटेंस है, ये भी हो सकता है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क के अंदर है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए न्यूज आप जानते हैं सीआरसीएल को लेके न्यूज में थी, वो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओनली देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ओनली है तो स्टेटमेंट गलत ही होगी, बट मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, वो आपका जो बताने का तरीका है, जो आपने एक यहां पे निशानी बना के रखी है, एक कॉमन सेंस को यूज करने की बात है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको ये भी कहा कि नॉलेज जो है वो भी जरूरी है और कॉमन सेंस जो है वो भी आपकी यहां पर बहुत जरूरी हो जाती है, बिकॉज एज फ्यूचर ऑफिसर्स आपको ये चीज समझनी होगी कि हर ओनली वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी ऐसा नहीं है कि गलत ही होगी, और ये चीज मैंने आपको बताया भी कि 70-75% केसेस में यस इनकरेक्ट हो सकती है, लेकिन इन सर्टेन अरीनास ये स्टेटमेंट करेक्ट भी होती है, और यहां पर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने आप में अकेली ऐसी कस्टम मैटर्स के साथ डील करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर आपकी करेक्ट हो जाती है। क्या ये इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है, तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूसीओ एस्टैब्लिश करी गई थी 1952 के अंदर एज कस्टम कॉपरेशन काउंसिल, तब इसे सीसीसी कहा जाता था, इट इज एन इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हूज मिशन इज टू एनहेंस, क्या है इसका मिशन, मैंने अभी बताया था एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो भी आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन जो तीसरी स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट है, वाई, बिकॉज द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रसल्स बेल्जियम, ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर लोकेट करता है, देयरफॉर
आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है, तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा डब्ल्यूसीओ के बारे में ये चीजें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि थोड़ा सा ज्योग्राफी रिलेटेड कह सकते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर पूछा गया कि बताएं इसको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। तो यहां पे लोकेशन है पहले स्टेटमेंट के अंदर, तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ओडिशा के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बताया है। यूजुअली यूपीएससी इतना डीप में नहीं जाता, कई बार चला भी जाता है, लेकिन रेयरली ऐसा देखा गया। स्टेट ही पूछेंगे आपसे कि किस स्टेट के अंदर है, लेकिन मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया एक लेवल फर्दर प्रिपरेशन कराने के लिए कि क्या इसके अंदर आंसर होने वाला है। अगर उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट नहीं भी है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि करेक्ट आंसर इसका क्या है। ठीक है, सेकंड, इट इज अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुलदिया हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व। तो यहां पे एक पर्टिकुलर एलिफेंट रिजर्व जो है उसका ये पार्ट है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी हो सकता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन, मैं न्यूज भी आपको बताने वाला हूं। चलिए तो रिसेंटली क्या हुआ है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है उड़ीसा के अंदर फॉल करता है, यहां पे एक मैसिव फायर जो थी वो लग गई थी और इसी वजह से ये न्यूज में थी। द कोर एरिया ऑफ बायोस्फीयर वाज अनटच्ड बाय द फायर, तो कोर एरिया तक तो आग नहीं पहुंची, लेकिन इसके जो फ्रिंजेस में एरिया थे, आसपास के जो एरियाज थे, वहां पर काफी ज्यादा डैमेज जो है बायोडाइवर्सिटी का वो देखने को मिला था। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिमलीपाल कुलदिया हाथगढ़ एलिफेंट रिजर्व पॉपुलरली नोन एज मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व। तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है क्योंकि मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी इसे कहा जाता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पहली स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। यस, इट इज सिचुएटेड इन द कहां पे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ओडिशा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, जियोग्राफिकली इट लाइज ऑन द ईस्टर्न एंड ऑफ द ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है लोकेशन वाइज, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, किस रिजर्व के अंदर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ईस्टर्न घाट जो आपका है उससे इसका क्या रिलेशन है, ईस्टर्न साइड पे है उसके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आंसर क्या होगा यहां पे, सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर बात करता है विद रेफरेंस टू राइट टू एजुकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है राइट टू एजुकेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यह बताइएगा कि एजुकेशन जो है यहां पे दिया गया, एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्टेट इशू, तो ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है जो एजुकेशन है। ठीक है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, इट मींस ये कहना चाह रहे हैं। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन वाज द राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट इन 1990। तो यहां पे बताया गया कि जो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था राइट टू एजुकेशन के ऊपर वो राममूर्ति जी का डॉक्यूमेंट था, रिपोर्ट थी उनकी 1990 के अंदर आई थी। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली एक पिटिशन डाली गई थी और उसमें कहा गया था कि जो इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए आठवीं से बारहवीं की जो शिक्षा है वो भी यहां पर राइट टू एजुकेशन के अंदर कवर होनी चाहिए। मतलब राइट टू एजुकेशन के अंदर कवर करने का क्या मतलब है कि ये उनका फंडामेंटल राइट बन जाता है। किसके अंदर आता है, आर्टिकल 21A, मत भूलिएगा अभी। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सरकार की ये बेसिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनको फ्री एजुकेशन आठवीं से बारहवीं तक इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि अभी तक नहीं करी जा रही थी। तो ये जो पिटीशन फाइल करी गई थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप इस पिटीशन का रिस्पॉन्स तो करो, इसके ऊपर कोई ना कोई अपना जो भी आप बताना चाहते हैं वो डिसाइड तो करो। तो ये जो चीज है न्यूज में थी हमारे लिए, ये जो एरिया है ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर कैसे बन सकता है वो मैंने यहां पे बताया है। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑन राइट टू एजुकेशन वाज द राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट, जो कि 1990 में आई थी, और 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट कौन सी थी, उन्नी कृष्ण जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स के अंदर हेल्ड किया था, मतलब डिसाइड किया था कि एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 21 से फ्लो करता है, आर्टिकल 21 से निकलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तपस मजूमदार कमेटी 1999 में आई थी। नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990, तपस मजूमदार कमेटी 1999, इट वॉज सेटअप विच एनकम्पास्ड इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 21A। तो उन्होंने 21A के पीछे जो योगदान दिया था वो बताया गया है। और इसके बाद क्या कोई मुझे बता सकता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई थी 2002 के अंदर जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के अंदर इंसर्ट किया गया था। क्या मुझे कोई उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर बता सकता है? देखिए, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और यही सारी चीजें मैंने आपके जो हमारी 100 डेज की सीरीज है, 200 डेज की सीरीज है, 500 डेज की सीरीज है, वहां पे आपको काफी अच्छे से पढ़ा है। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो उन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लीजिएगा, और अगर आप रिविजन करना चाहते हैं, आपके पास टाइम ही टाइम है, फिर भी एक अच्छे से रिविजन करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज का, तब भी आप उन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहां पर फिलहाल आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है
क्योंकि आप में से काफी सारे लोगों ने एनरोल किया हुआ है, वो तो डेफिनेटली बताएंगे ही बताएंगे, तो मुझे उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का नंबर बताइएगा कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी जिसके थ्रू इसे लाया गया था कमेंट सेक्शन के अंदर। उसके ऊपर मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी उन कोर्सेज के अंदर कि किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे कैसे हमने इसको वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसे ऐड किया था, कौन कौन सी कमिटीज इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी, तो यहां पर भी मैंने आपको कुछ नाम बता दिए। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है, राइट। तो ये जो आपका पहला यहां पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसमें जो कमेटी रिपोर्ट है वो भी मैंने बता दिया। सेकंड, एजुकेशन जो है आप बताएं क्या ये स्टेट का सब्जेक्ट है, क्या लगता है आपको? देखिए, एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कॉन्करेंट लिस्ट में आती है और कॉन्करेंट लिस्ट आप जानते हैं कि उसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का उसके ऊपर डोमिनेशन रहता है, दोनों को अपना अपना उसमें फीडबैक देने का मौका मिलता है, तो उसी तरीके से दोनों को यहां पे लेजिस्लेट करने का भी मौका मिलता है। तो एजुकेशन के ऊपर दोनों ही अपना अपना कंट्रीब्यूशन इसके अंदर दे सकते हैं। तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और आपको करेक्ट ही बताना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है सीडब्ल्यूसी, सीडब्ल्यूसी क्या है? सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेकर है और पूछा गया इसको लेकर बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है। चार आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट इसमें से कौन सा है। चलिए, पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आती है। सीडब्ल्यूसी हैज गिवन स्टेटस ऑफ शेड्यूल ए मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, हो सकता है। आप जानते हैं अलग अलग तरीके की मिनी रत्न महारत्न कंपनीज होती हैं, अलग अलग शेड्यूल में है। सीडब्ल्यूसी ऑफर्स कंसल्टेंसी सर्विसेज ट्रेनिंग टू डिफरेंट एजेंसीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहां पे कंसल्टेंसी सर्विस ट्रेनिंग का काम भी इसके द्वारा किया जाता है। सीडब्ल्यूसी ऑपरेट्स मोर देन 400 वेयरहाउसेस अक्रॉस इंडिया विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 10 मिलियन टन्स। यहां पे सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। चार स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको इनकरेक्ट बतानी है, करेक्ट नहीं बतानी है। सोचिए, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसके ऊपर, देखेंगे क्या आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा जो भी स्टेटमेंट्स यहां पे सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन को लेकर दे रखी है वो करेक्ट है। 400 से ज्यादा वेयरहाउसेज हैं, 10 मिलियन टन्स का स्टोरेज कैपेसिटी है, कंसल्टेंसी से लेकर ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, शेड्यूल ए मिनी रत्न के अंदर आती है। तो ये तीन स्टेटमेंट तो ठीक होगी, इट मींस ए जो स्टेटमेंट होगी वो आपकी इनकरेक्ट होगी, क्योंकि सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन जो है ये क्या है, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी? सोचिए। सो यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बट मिनिस्ट्री जो दे रखी है आपको वो गलत दी है, क्योंकि इट कम्स अंडर, कोई बता सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। सो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विच वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाने से पहले, दिस इज द सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, यू कैन एनरोल इन दिस, exam.netmoc.com पे जाकर आप इसमें, वहां पे आप एनरोल इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि किसको सब्सक्राइब करना चाहिए, देखिए मैंने आपको सिंपली ये चीज बताई है, दोबारा बता देता हूं, 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जाइएगा, ठीक है, लेकिन 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप 3 से 4 घंटे का टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर 3 से 4 घंटे का टाइम भी नहीं दे सकते, 2 घंटे का टाइम दे सकते हैं, तो आप 100 डेज वाली सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा। दोनों के अंदर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपके सिलेबस को लेकर कवर किए हुए हैं और आपके मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो तैयारी करवानी है वो इसके अंदर आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अंदर बेसिकली अगर आप रिवीजन के तौर पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसको एक बार रिवाइज करना चाहते हैं जल्दी में, तो वो चीज आप यहां पे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और पहले ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन दिन में 2 से 3 घंटे कमिट करने के लिए तैयार है, देखिए सब्सक्राइब तभी करिएगा जब आप दिन में 2 से 3 घंटे कमिट करने के लिए तैयार हो, क्योंकि वंस यू कमिट योर 2 आवर्स देन आपको यहां पर जो क्वालिटी वीडियोज है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको आपको रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा विद जो क्विजेज इसके अंदर डेली बेसिस पे आपको दिए जाते हैं और जो मॉक टेस्ट आपको वीकली बेसिस पे दिए जाते हैं, रिलीजियसली उसको फॉलो करते then definitely 60-70 marks का जो आपका bracket होता है वो 110 तक लेके आया जा सकता है। चलिए question number 6 को देख लेते हैं। question number 6 बात करता है with reference to Indian Cyber Crime Coordination Center consider the following statement, आपको बताना है इसको लेकर incorrect statement कौन सी है, कौन सा कथन आपका गलत है। It has been established under Ministry of Defence, तो जो ये Cyber Crime Coordination Center है इसको MOD के अंदर बनाया गया है and it is a nodal point at national level in fight against cyber crime, cyber crime से लड़ने के लिए ये एक nodal point के तौर पे बनाया गया है और जाना भी चाहता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन इफ IFF अ डिजिटल लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA दैट द साइबर क्राइम वॉलंटियर्स कॉन्सेप्ट विल लीड टू
कल्चर ऑफ सर्वेलेंस एंड कॉन्स्टेंट सस्पिशन इन सोसाइटी क्रिएटिंग पोटेंशियल सोशल डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो है उसने एमएचए को यहाँ पे क्वेश्चन किया है, बट दैट कंट्रोवर्सी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट येस साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात करी जाए, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के अंदर बनाया है, ना कि एमओडी के अंदर। पहली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, बट येस सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जो आपका इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है ये एक नोडल पॉइंट के तौर पे काम करेगा नेशनल लेवल पे, ताकि साइबर क्राइम से लड़ा जा सके, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। देखिए अभी जो अगली आने वाली जो वॉर्स के बारे में बात करी जाती है वो यही कही जाती है कि आपकी वो वॉर्स जो होंगी ऑनलाइन लड़ी जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन को क्रिएट करने की कोशिश करती है तो वहां पर भी हैकिंग करके जो है उनकी फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि काफी जगह पे जो वैक्सीन वगैरह बनाई जा रही थी, इवन यहां पर भी एक जगह पे एक लैब के अंदर जब वैक्सीन बनाई जा रही थी तो वहां पर भी हैकिंग करके उनके पूरे डेटा को डैमेज करने की कोशिश करी गई। तो जो एक कंट्री अब दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन गिरा के डिस्ट्रॉय नहीं करती है, बिकॉज दैट इज एनी वे प्रोहिबिटेड, लेकिन इस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से एक कंट्री दूसरी कंट्री का जो डेटा है उसको चुराने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम दूसरी कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंटल वर्क चल रहे होते हैं, चाहे वो वैक्सीन का डेवलपमेंट हो या फिर न्यूक्लियर के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं उसकी बात हो, ये सब जो है इंटरनेट के माध्यम से अब हैकिंग के थ्रू दूसरी कंट्री को परेशान किया जाता है, ठीक है। हेंस उसको काउंटर करने के लिए, देखिए जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को काउंटर करने के लिए हमारे पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी अवेलेबल है, उसी तरीके से जो हैकिंग होती है उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास इस तरीके से एक सेंटर का होना भी जरूरी है। तो आंसर क्या होगा? आपको इनकरेक्ट बताना था, देयरफॉर आंसर इज ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर है। पूछा गया किस रिवर का पार्ट है, ठीक है। रिसेंटली ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे अ लिस्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो थे उनके बारे में न्यूज थी, और खासतौर पर एक पर्टिकुलर स्टेट के जो आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट थे उनको लेकर तो कुछ ज्यादा ही चर्चा करी जा रही थी, इसी वजह से कोरिंगा का जिक्र किया। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, सो इट इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड एस्चुरी सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज 18 किलोमीटर फ्रॉम द पोर्ट सिटी ऑफ काकीनाडा। और ये जो है आंसर हो जाएगा हमारा ए, किस रिवर का पार्ट है? गोदावरी का ही पार्ट हो जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैप पे एक बार देख लीजिए, इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में लोकेट करता है, एंड दिस इज द थिंग। यहां पे आपको कोरिंगा दिख रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2021 को लेकर कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट एम्स टू इम्प्रूव साइबर अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रू मोर स्ट्रिंजेंट ऑडिट्स। तो इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से साइबर अवेयरनेस को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी को ऑडिट के थ्रू आप यहां पर बेहतर बना सकते हैं। द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स एट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2020 जो है इसे फॉर्मुलेट किया जा रहा है बाय द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको इसकी दूं तो नंबर 1 जो स्टेटमेंट आपकी है, क्या इसमें साइबर अवेयरनेस को इंप्रूव किया जाएगा? देखिए कॉमन सेंसिकल वाली स्टेटमेंट है, तो यस इसमें इंप्रूव किया जाएगा साइबर अवेयरनेस को, साइबर सिक्योरिटी को, बेटर ऑडिट्स किए जाएंगे और इसके अंदर आपके जो ऑडिटर्स भी होंगे वो एम्पैनल्ड रहेंगे, ताकि वो केयरफुल तरीके से जो वेरियस सिक्योरिटी फीचर्स है उनको देख सकें और क्या क्या इसके अंदर जरूरत है उसके बारे में भी सजेशंस अपनी दे पाए। द ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो एट द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। तो यहां पे ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, तो ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर लोकेट करता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। तो यहां पे यस आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो जो है आपका इनकरेक्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफिस ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर एमएचए के अंदर कैसे हो सकता है, इट इज एट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर आपका क्या होगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है एक रिपोर्ट को लेकर है, पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फ्रीडम इन द वाइल्ड 2021 रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इस रिपोर्ट को लेकर। पहली कहती है इट इज पब्लिश्ड बाय यूएसए बेस्ड ह्यूमन राइट वॉचडॉग फ्रीडम हाउस। तो ये किसके द्वारा लाई गई है, यूएसए का एक ह्यूमन राइट वॉचडॉग है जिसका नाम फ्रीडम हाउस है, उसके द्वारा इसे लाया गया है, हो सकता है। इंडिया का जो स्टेटस है वो पार्टली फ्री से, पहले पार्टली फ्री था अब वो नॉट फ्री हो गया है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। आपको इनकरेक्ट बताना है। चलिए
सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस तरीके की जो रिपोर्ट्स निकलती हैं वो आपका यूएसए का राइट बेस्ड ग्रुप हो सकता है, कहीं का कोई एनजीओ हो सकता है। सो यहां पे जो भी रिपोर्ट्स में दिया जाता है, इंडिया की रैंकिंग अच्छी बताई जाती है बुरी बताई जाती है, सभी को आप फेस वैल्यू पे मत दिया करिए, क्योंकि रीजन इनके पीछे काफी सारे पॉलिटिकल भी होते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज कल को आपको आईएफएस भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से चीजों को डील किया जाता है और कैसे एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। तो कुछ यहां पर भी वही दिखाने की कोशिश करी गई है। इंडिया का जो स्टेटस है वो पहले फ्री हुआ करता था और अब वो पार्टली फ्री हो गया है, ठीक है। तो ये पार्टली फ्री टू नॉट फ्री नहीं हुआ है, इट वॉज फ्री प्रीवियसली और अब उसे पार्टली फ्री कर दिया गया है, ठीक है। और वैसे देखा जाना ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ना बताएगी कि इंडिया के अंदर अगर हम फ्रीडम की बात करते हैं वो पहले फ्री था अब पार्टली फ्री हुआ है या पार्टली फ्री है या नॉट फ्री है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रिपोर्ट्स जो होती हैं वो पेड होती हैं, सारी रिपोर्ट्स के अंदर मैनिपुलेशन होता है, बट लार्जली ऐसा देखा गया है कि जो जिस कंट्री से वो रिपोर्ट निकल रही होती है, जो लोग उसको चला रहे होते हैं, वो उसी तरीके से डेटा को प्रस्तुत करते हैं जैसे वो प्रस्तुत करना चाहते हैं। एंड यू नो कि जो स्टैट्स होता है, स्टैट्स के बारे में, स्टैट्स की बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया ही होता है कि स्टैट्स को तो आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके प्रेजेंट कर सकते हो। क्या ये पब्लिश यूएसए के फ्रीडम हाउस के द्वारा करी जाती है? तो यस, पहली सिर्फ आपकी करेक्ट हो जाती है, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना था, सो आंसर आपका हो जाएगा बी। इसके अंदर पॉलिटिकल राइट इंडिकेटर्स सच एज इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट फंक्शनिंग के बारे में बात करी गई है, सिविल लिबर्टीज के बारे में बात करी गई है, ये इंडिकेटर्स के तौर पे यूज करे गए हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट जो है इसने इंडिया का स्टेटस डाउनग्रेड किया है और इसके पीछे आई एम टेलिंग यू देयर आर पॉलिटिकल रीजन ये डाउनग्रेड करने की कोशिश करी जा रही है, बिकॉज आप जानते हैं कि अभी हमारी कंट्री काफी ज्यादा अच्छे से, इवन देखा था वी शेप रिकवरी के साथ कोविड के बाद से अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारे यहां पे वैक्सीन बन रही है और एक नहीं दो दो वैक्सीन बन रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं ध्यान रखिएगा, पॉइंटिंग टू डिक्लाइन इन ग्लोबल डेमोक्रेसी, ये भी बताया गया कि पिछले 15 सालों में डेमोक्रेसी के अंदर डिक्लाइन आया है, और इसको काउंटर करने के लिए आप कम से कम 10 फैक्ट्स बता सकते हैं, 10 ऐसे इश्यूज बता सकते हैं जो इस चीज को काउंटर करेगा। नेवरदलेस वो मेंस के लिए छोड़ेंगे, मेंस का जब हम डिस्कशन करेंगे तो एनालिसिस करेंगे, फिलहाल यहां पर आपको रिपोर्ट पता होनी चाहिए, कौन लेके आया वो पता होना चाहिए और इंडिया का स्टेटस जो है वो पता होना चाहिए। मोस्ट फ्री कंट्रीज की बात करें तो स्कोर ऑफ 100 के साथ फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन जो है उनको यहां पर अच्छा स्कोर दिया गया, और सबसे लेस स्कोर जो है वो टिबेट को दिया गया और सीरिया को दिया गया, ठीक है। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक तरफ टाइगर रिजर्व्स हैं, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं, लेफ्ट साइड में सरिस्का है, राइट साइड में क्या ये राजस्थान में है, बक्सा क्या वेस्ट बंगाल में है, इंद्रावती क्या छत्तीसगढ़ में है, नामधापा क्या अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपका एक, आप मान सकते हैं कि आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको करेक्टली मैच करना है, सोचें फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए तो सरिस्का जो है 1978-79 में टाइगर रिजर्व बनाया गया राजस्थान के अंदर, बक्सा 1982-83 में, वेस्ट बंगाल करेक्ट है, इंद्रावती 1982-83 अगेन छत्तीसगढ़ के अंदर, नामधापा भी इन द वेरी सेम ईयर। तो यहां पे चारों ही करेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहां पर गुड मॉर्निंग एवरीवन, करंट अफेयर्स की सीरीज में 6 मार्च पे हम पहुंच चुके हैं और द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स हम यहां पर कवर करने वाले हैं और वो भी एमसीक्यू के थ्रू उसे कवर किया जाएगा। जल्दी से आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल्स 2017 के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं उसके बारे में जिक्र होगा हमारा, आईटी रूल्स 2021 के बारे में डिस्कशन करेंगे, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमचट के बारे में जानेंगे, देन असम रेड राइस के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एक एमसीक्यू हमारा डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन को लेकर होगा, देन स्पेस हरिकेन के बारे में जानेंगे, इसके बाद नेशनल सेफ्टी डे क्या है इसके ऊपर भी एक डिस्कशन हमारा होने वाला है, एक टॉपिक हमारा CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन को लेकर है, देन फूड प्राइस इंडेक्स को लेकर एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और फाइनली एक क्वेश्चन हम टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अमेंडमेंट इन द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल्स 2017 का जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल्स थे उसके अंदर कुछ तब्दीली करी गई है, कुछ चेंजेस करे गए हैं, उसको लेकर आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। देखिए जो चीज पूछी गई है उसको सर्कल में डालें और जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें और फिर पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इट इज ब्रिंगिंग इंश्योरेंस ब्रोकर्स विद इन द एम्बिट ऑफ द इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन, तो जो इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं उनको भी अब इसके अंदर कवर किया जाएगा, हो सकता है। इट डज नॉट कवर द डेफिशिएंसीज इन सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरर एजेंट ब्रोकर एंड अदर इंटरमीडियरीज, हाउएवर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज जो है इस क्लॉज को अभी भी कवर नहीं किया गया, सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल्स 2017 जो है उसके अंदर एक चेंज जो है चेंजेस उसके अंदर लाए गए हैं, इसमें इंश्योरेंस ब्रोकर्स को इसकी एम्बिट में लाया गया। पहले इंश्योरेंस ब्रोकर जो होते थे वो ऑम्बड्समैन की
एम्बिट के अंदर, उसके अंडर में नहीं आते थे, लेकिन अभी नए रूल्स के हिसाब से इंश्योरेंस ब्रोकर्स को भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। एट द सेम टाइम, क्योंकि अब देखिए इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल के अंदर चेंजेस करे गए हैं, तो उसको और भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया है, उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। इसी वजह से यहां पर जो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, जिसको पहले काउंट नहीं किया जाता था, उसको भी अब कवर किया जाएगा। अगर किसी भी तरीके की सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी देखी जाती है, एजेंट की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से, इंश्योरर की तरफ से, या किसी भी इंटरमीडिएट की तरफ से, तो वो भी इसके अंदर कंप्लेंट के तौर पे दायर किया जा सकता है। और मैंने आपको ये चीज वैसे बता रखी है क्योंकि इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन रूल्स के अंदर जो चेंजेस हैं, उस हिसाब से अब जो कंप्लेन होंगी वो ऑनलाइन भी करी जा सकती है। और अगर आप कंप्लेन करते हैं तो अपनी कंप्लेन को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन का निदारण कहां तक हुआ है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक प्रोविजन रखा गया है, तो जब भी कंप्लेन के ऊपर कोई सुनवाई होती है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल रहेगा। तो पूरे रूल्स को बहुत ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे। तो आंसर क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली सही है। आंसर क्या ए होगा? नहीं, आंसर आपका बी होगा, क्योंकि आपको गलत बताना था, सही नहीं बताना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के बारे में। और यहां पर सबसे पहले तो जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें, और जो पूछा गया है करेक्ट इनकरेक्ट उसको आप सर्कल में डालें। ठीक है, पहली चैप्टर कहती है इस एथिक्स कोड रूल्स 2021 को लेके इट इज ब्रॉडली डील विद ओनली ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ ही लार्जली डील करने वाला है। देखिए ओनली शब्द दिया है यहां पर भी, लेकिन मैंने आपको बताया टाइम एंड अगेन ओनली की वजह से जो स्टेटमेंट है उठा सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा इसको। वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स अंडर द एम्बिट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। तो वीडियो स्ट्रीमिंग जो ओटीटी के ऊपर होती है वो किसके अंदर आती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। देखिए सोचिएगा, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है या मीटी के अंदर है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021 को नोटिफाई किया है। आपने देखा होगा काफी दिन से इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आ रहे हैं और हमने इस क्वेश्चन को कवर भी किया है। यहाँ कुछ नए डायमेंशंस को कवर किया जा रहा है। पहली स्टेप की बात करें, दीज न्यू रूल्स ब्रॉडली डील विद ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल मीडिया को भी। ठीक है, तो ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है, लेकिन मैंने ये भी आपको दिखाया कि ओनली के होने के बावजूद भी स्टेटमेंट ठीक भी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज होना काफी जरूरी है ओवर द टॉप ओटीटी सर्विसेज के साथ साथ सोशल मीडिया को भी यहाँ पर कवर किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, वीडियो स्ट्रीमिंग ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो वीडियो स्ट्रीमिंग होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आती है। तो यस, ये स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे मीटी भी दिया जा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, या आपका फिल्म सर्टिफिकेशन जो बोर्ड होता है उसके अंदर आती है। तो वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा, आईबी मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग उसके अंदर ये आती है। और क्योंकि यहाँ पे आपको करेक्ट बताना था, सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। और इस तरीके की जो इन्फोग्राफिक्स होते हैं वो जरूर आप अपने नोट्स में सेव करके रखिएगा, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को एनहेंस करते हैं और आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि देखिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, याद आ रहा है आपको 15 डेज कंप्लेन का निर्धारण किया जाएगा। ये चीजें हम पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ओटीटी के ऊपर क्वेश्चन बनाया था तब मैंने आपको ये स्टेटमेंट दी थी और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो तभी मैं कह रहा हूं कि अगर आप नोट्स में इसको डालेंगे तो आपको ये चीजें रिवाइज करने में भी हेल्प मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट के बारे में। रिसेंटली इसको न्यूज में देखा गया था, पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज अ मिसाइल प्रपल्शन सिस्टम दैट कंप्राइजेस ऑफ द थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट अलोंग विद द रिड्यूस्ड स्मोक नोजल लेस मिसाइल बूस्टर। ये क्या है, इसकी यहाँ पे व्याख्या करी हुई है। ये एक आपका मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है जिसके अंदर क्या क्या होता है, जिसके अंदर डक्टेड रॉकेट है, मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट है, एट द सेम टाइम इसके अंदर स्मोक नोजललेस मिसाइल बूस्टर होता है। तो रिड्यूस स्मोक नोजललेस मिसाइल बूस्टर इसके अंदर होता है, मे बी। तो रैमजेट के बारे में पता है तो हो सकता है आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। इट इज डेवलप्ड बाय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, SFDR जिसको कहा जाता है, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का। अभी कल के दिन ही March 5 को, अभी कल के दिन ही इसे यहां पे इसके ऊपर परीक्षण किया गया और सक्सेसफुली इसके रिजल्ट्स भी देखे गए। DRDO के द्वारा किया गया, तो ध्यान रखिएगा इसरो का नाम नहीं है,
लेकिन क्योंकि जब हम रामजेट इंजन की बात करते हैं, हो सकता है आपको लगे कि किसी पर्टिकुलर यहाँ पे स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो मिसाइल शब्द लिखा हुआ है, मिसाइल प्रोपल्शन। जैसे मिसाइल शब्द आता है इसी को पकड़ना है आपको, और यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि डीआरडीओ इन्वॉल्व होगा। जब सैटेलाइट लिखा हुआ होता तो हमें समझ में आता है इसरो इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसरो का डील जो है वो स्पेस सैटेलाइट से डील करना है और डीआरडीओ जो है वो मिसाइल से डील करता है। मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम है जिसके अंदर आपका मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट है, और साथ ही साथ इसके अंदर रिड्यूस्ड स्मोक नोजलेस बूस्टर है। तो ये पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है, और फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आपका आंसर क्या हो जाता है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज अ मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम जिसके अंदर थ्रस्ट मॉड्यूलेटेड डक्टेड रॉकेट है अलॉन्ग विद रिड्यूस्ड स्मोक नोजलेस मिसाइल बूस्टर। थ्रस्ट मॉड्यूलेशन ऑफ द सिस्टम इज अचीव थ्रू अ हॉट गैस फ्लो कंट्रोलर। तो जो ये थ्रस्ट मॉड्यूलेशन होता है इसको गर्म गैस के फ्लो कंट्रोलर से अचीव किया जाता है। SFDR जो है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, SFDR सॉलिड फ्यूल्ड डक्ट रैमजेट, ये जो है ये यूज करता है सॉलिड फ्यूल्ड एयर ब्रीदिंग रैमजेट इंजन को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। वैसे हमने रैमजेट स्क्रैमजेट का जो डिफरेंस है वो पहले किया हुआ है, यहां पे हमने रैमजेट की बात करी है। आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बात करता है विद रेफरेंस टू असम रेड राइस। दो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, तो सबसे पहले तो असम रेड राइस जो है इसको आप अंडरलाइन करें, और फिर क्या पूछा है उसको सर्कल में डालें, और फिर वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ें। दिस वेराइटी ऑफ राइस इज कॉल्ड एज बायोधान। बायोधान कहते हैं इसे। इट इज ग्रोन यूजिंग बायोकेमिकल फर्टिलाइजर। बायोकेमिकल फर्टिलाइजर को यूज करके इसको उगाया जाता है। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, फिर मैं आपको इसकी न्यूज भी बताऊंगा और क्या आंसर है वो भी आपको बताने वाला हूं। सोचिए, चलिए देखिए। पहला कंसाइनमेंट, द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस वाज फ्लैग्ड ऑफ ऑन मार्च 4, 2021 टू यूनाइटेड स्टेट्स। दिस एड्स ऑन टू द इंडियाज राइस एक्सपोर्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगाए गए थे, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर को यहाँ पे अपने यहाँ पे प्रोड्यूस करा था न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, तो यूएस ने जब उसके ऊपर सेंक्शन लगाए थे, इंडिया ने वहां से ऑयल इंपोर्ट किया था और उसके बदले में राइस को एक्सपोर्ट किया था उसकी पेमेंट करने के लिए। अभी क्या है, अभी हम रेड राइस की बात कर रहे हैं। रेड राइस को हम यूनाइटेड स्टेट्स में बेच रहे हैं। देखिए, अगर किसी भी चीज को यूरोपियन कंट्रीज में या फिर अमेरिका में भेजा जाता है, इट मींस उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर बनाई गई है। और यहाँ पे रेड राइस को अगर यूनाइटेड स्टेट में भेजा गया, इट मींस हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है राइस के मामले में वो काफी हद तक बढ़ चुका है। दिस राइस वॉज सोर्स बाय लीडिंग राइस एक्सपोर्टर कॉल्ड एलटी फूड्स के द्वारा किया गया है, और इससे ये पता चलाया जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में यूरोपियन नेशंस को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे और वहां से फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। दिस वेराइटी ऑफ राइस इज कॉल्ड द बायोधान। बायोधान कहते हैं इसे, बिल्कुल ठीक है। विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड्स इन आसाम। आसाम के अंदर इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इट इज द स्टेपल डाइट देयर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द रेड राइस जो है ये काफी रिच होता है किसके अंदर, आयरन के अंदर, और इसे ब्रह्मपुत्रा वैली जो आसाम के पास फॉल करती है वहां पर उगाया जाता है। किसी भी तरीके का केमिकल फर्टिलाइजर इसमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। तभी यूएस जो है वो इसको इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, ताकि उनको ऑर्गेनिक खाना खाने को मिले यहाँ पे विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी फर्टिलाइजर का, और ऐसा चावल खाने को मिले जिसके अंदर आयरन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। सो इट इज ग्रोन यूजिंग बायोकेमिकल फर्टिलाइजर इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। रेड राइस, ध्यान रखिएगा, आसाम, ब्रह्मपुत्रा वैली। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देख लेते हैं। इंडिया हैज डोनेटेड अ डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन डेवलप्ड बाय बार्क टू विच कंट्री। अभी अभी रिसेंटली इंडिया ने डोनेट किया क्या, डिजिटल कोबाल्ट थेरेपी मशीन दैट इज DCTM, इसे बार्क के द्वारा। बार्क के क्या कोई मुझे फुल फॉर्म बता सकता है, बार्क के द्वारा बनाया गया था इसे, और अभी इसे हमने एक पर्टिकुलर कंट्री को डोनेट किया है। क्या हमने मॉरिशस को किया है, मेडागास्कर, म्यांमार या फिर मालदीव, सारे एम है यहाँ पे, सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, इंडिया हैज डोनेटेड एन एडवांस डिजिटल कोबाल थेरेपी मशीन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। डेवलप्ड बाय बार्क, बार्क के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसे आइलैंड नेशन मेडागास्कर को डोनेट किया गया है, ताकि वहां पर जो लोग कैंसर से पीड़ित है वो अपना इलाज करा पाए। हमारे पास तो ऐसी और भी मशीन है, हमारे पास इससे बेटर टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, लेकिन मेडागास्कर के पास क्योंकि नहीं है, वहां पर भी लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके, इसी वजह से ये काम किया गया है। मैंने आपको बताया कि इंडिया और चाइना का लोगों को हेल्प करने का तरीका अलग है। हम सॉफ्ट पावर में ध्यान देते हैं, लेकिन चाइना जो है वो हार्ड पावर में ध्यान देता है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बताता हूं ताकि ये चीजें जब आपसे इंटरव्यू में पूछी जाए, आप इसी तरीके के एग्जाम्पल देके इंडिया के बारे में बताएं कि देखिए चाइना क्या करता है और हम क्या करते हैं। ये चीज इसी वजह से मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेंस में भी लिखने में हेल्प करेगा और आपको एक पर्सपेक्टिव को डेवलप करने में कि भारत अगर किसी देश की मदद करता है तो किस तरीके से करता है, ये चीज भी समझने में आपको हेल्प करेगा। चलिए, आंसर यहां पे हो जाएगा बी, जो मशीन है वो कुछ किस तरीके से दिखती है देख लीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। उससे पहले मैं आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूं। आई जस्ट वॉन्ट 2 आवर्स फ्रॉम यू।
मुझे सिर्फ आपसे 2 से 2.5 घंटे, 2 से 3 घंटे ही चाहिए, और अगर आप 2 घंटे को डेडिकेट करके आखिरी के 100 दिनों में पढ़ाई कर लेते हैं, देन यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज एंड यू कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ योर सक्सेस। 2 से 3 घंटे मैंने क्यों इस सीरीज को बनाया, रीजन यही था कि आप में से काफी सारे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, हाउस वाइफ थी, उनका ये कॉल आ रहा था मेरे पास कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होता तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी 200 डेज की सीरीज चल रही थी जिसमें आपको 4 घंटे के असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, मतलब 4 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा और आप इस एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। लेकिन जब लोगों का कॉल आने लगा कि हम 4 घंटे भी नहीं दे सकते, देन वी एक्चुअली क्रिएटेड दिस सीरीज जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपके लिए रखी गई है। तो अगर आप 2 घंटे मुझे दे सकते हैं, देन थिंग्स कैन चेंज फॉर यू। तो आगे आने वाले 100 दिन के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया ट्विस्ट, एक नया टर्न जो है वो दे सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियोस दिए जाएंगे, क्लास वीडियोस, इसके अंदर आपको एमसीक्यू वीडियोस दिए जाएंगे, और इसके बाद इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्विजेस सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। अगर आप रिलीजियसली, देखिए सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब मत करिए, अगर आप रिलीजियसली 2 घंटे दे सकते हैं उसके बाद ही इसमें एनरोल करें, एंड बिलीव मी आपके जो प्रिपरेशन होगी वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी चीजें पढ़ी हैं वो रिवाइज करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, एट द सेम टाइम जो यहाँ पे आपको मटेरियल दिया गया वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। करंट भी इसमें कवर किया गया, स्टैटिक भी इसमें कवर किया गया है, दोनों ही चीजें उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है वो जो आपके एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 35 से 40 क्वेश्चन जो है वहां पे आप स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने में आपको हेल्प करेंगे और प्रीलिम्स को क्रैक करना कंपेरेटिवली आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, मैं समझ सकता हूँ, जब मैं तैयारी कर रहा था मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल था और शुरुआती दिनों में हालांकि कोचिंग ली थी उस वक्त मैं कॉलेज जाया करता था, लेकिन बाद में जब जॉब ज्वाइन करी थी तब ज्यादा टाइम नहीं मिलता था, दिन में 2 3 4 घंटे ही मिल पाते थे और वो भी बहुत ज्यादा थकावट हो जाती थी उसके बाद जॉब करने के बाद। बट यस, यहाँ पर यही टाइम जो होता है वही आपको यूटिलाइज करना है। टाइम एंड अगेन ऐसा देखा गया है कि जो लोग 24 घंटे देते हैं एग्जाम तो उनका भी हो जाता है, जो लोग 2 घंटे देते हैं, 3 घंटे देते हैं एग्जाम तो उनका भी हो जाता है। तो फिर डिफरेंस क्या है? देखिए इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी, कौन सा इंडिविजुअल कितनी क्वालिटी से पढ़ रहा है। ये मैं सभी के लिए बता रहा हूं, आपने सीरीज को सब्सक्राइब नहीं भी करना है उसके लिए भी बता रहा हूं कि क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं कह रहा हूं कि डरने की जरूरत नहीं है, कि जिन लोगों के पास आपसे ज्यादा टाइम है तो आपको लगता है उनका एग्जाम हो जाएगा आपका नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं, देन ऑफकोर्स आपका एग्जाम भी यहाँ पे क्रैक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जैसे जैसे चीजें मैं बताता जाऊंगा वैसे करते जाइएगा, जो चीजें मैं पढ़ने के लिए कहता हूं वो पढ़ते जाइएगा, जो चीज मैं पढ़ाता हूं उसको पढ़ते जाइएगा, अननेसेसरी की चीज नहीं पढ़िएगा। अगर आप मुझे 3 से 4 घंटे रोज दे पाए तो आई सजेस्ट कि आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज दिस सीरीज के अंदर आपको असाइनमेंट जो है नंबर ऑफ असाइनमेंट ज्यादा दिए गए हैं और वो चीज आपको मेंस के अंदर भी हेल्प करेगी। तो अगर 2 से 3 घंटे दे सकते हैं सो दिस इज द सीरीज फॉर यू, अगर 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, 4 घंटे मान के चलिए वैसे, तो आपको 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करना चाहिए। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मिशन यूपीएससी 2022, ये हमारा 500 डेज का प्लान है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान। अगर 2022 को लेकर तैयारी करें या फिर आपको लगता है कि 2021 में शायद आप एग्जाम दें शायद ना दें, और हो सकता है सिर्फ देने के लिए देने जा रहे हैं, आपको पता है कि 2022 में आप सीरियस होकर तैयारी करेंगे, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है स्पेस हरिकेन के बारे में, पूछा कि स्पेस हरिकेन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। दीज हरिकेन्स आर यूजुअली अकर्ड इन द अपर एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, तो अर्थ के अपर एटमोस्फेयर के अंदर ये जो पर्टिकुलर हरिकेन्स हैं वो आते हैं। द स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा दैट रेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन टू द आयनोस्फेयर इंस्टेड ऑफ वॉटर इज कॉल्ड एज स्पेस हरिकेन। तो जो क्या होता है इसके अंदर, इसकी व्याख्या करी है कि इसके अंदर पानी की जगह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आयनोस्फेयर के अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ पे रेन किए जाते हैं, उनको यहाँ पे गिराया जाता है। ठीक है, सोचिए इसके बारे में, फिर इसकी न्यूज भी पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है और फिर आंसर भी इसका डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है स्पेस हरिकेन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार उन्होंने स्पेस हरिकेन को डिस्कवर किया है और कहा है कि हरिकेन स्वर्ल्ड फॉर 8 आवर्स ओवर द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के ऊपर ये आपकी अर्थ है, अगर दिस इज द नॉर्थ पोल दिस इज द साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल के ऊपर इसके अपर एटमोस्फियर के ऊपर यहां पर हरिकेन जो था वो देखा गया और 8 घंटे तक देखा गया। यूजुअली क्या होता है जो आपके स्पेस हरिकेन होते हैं वो अपर एटमोस्फेयर में नहीं आते, लेकिन दिस इज एन अनयूजुअल इंसिडेंट कि यहां पे अपर एटमोस्फेयर के ऊपर 8 घंटे के लिए स्पेस हरिकेन जो था वो देखा गया। तो मैंने बताया ना यहाँ पे द हरिकेन यूजुअली अकर्ड इन द अपर एटमोस्फेयर, नहीं यूजुअली नॉर्थ, ये आपके कहीं पे भी हो ये लोअर एटमोस्फेयर में होते हैं, लेकिन अभी एक इंसिडेंस देखा गया जिसके अंदर इसे अपर एटमोस्फेयर के अंदर भी देखा गया। तो यूजुअली कहां होते हैं, अपर में नहीं होते हैं, यूजुअली लोअर में होते हैं। सेकेंड, इसके अंदर जो चीजें
बेसिकली आयनोस्फीयर के अंदर यहाँ पे रेन करी गई, वो पानी नहीं था, उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स थे। तो यस, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्वर्लिंग मास ऑफ प्लाज्मा दैट रेन्स इलेक्ट्रॉन्स इन टू द आयनोस्फीयर इंस्टेड ऑफ वाटर, इसको स्पेस हरिकेन कहा जाता है। द हरिकेन रिजल्ट्स इन टू द स्टनिंग इफेक्ट दैट इज अ ह्यूज साइक्लोन शेप्ड ग्लोइंग ग्रीन ऑरोरा। तो आप जैसे ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है उसके बारे में आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया भी है ज्योग्राफी के अंदर, तो उस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है और इसको नीचे से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। द एस्ट्रोनोमर्स हैव स्पॉटेड हरिकेन्स इन स्पेस ऑन मार्स, सैटर्न, जुपिटर। तो एस्ट्रोनोमर्स जो है उन्होंने इवन मार्स के अंदर, सैटर्न, जुपिटर के अंदर भी जो हरिकेन्स है उनको स्पॉट किया है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, पहली इनकरेक्ट है। आपको क्या बताना था? आपको इनकरेक्ट बतानी थी, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर आ जाएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। पूछा गया विद रेफरेंस टू नेशनल सेफ्टी डे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल सेफ्टी डे को लेकर दो स्टेटमेंट आपको बताना है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है। द डे वॉज ऑब्जर्व विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल रिगार्डिंग द सेफ्टी मेजर्स। तो कैसे लोग जो है उनके अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके कि उनको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, किस चीज को लेकर देखेंगे अगर ये चीज चाहिए तो। ये जो डे है इसी चीज की वजह से ऑब्जर्व किया जाता है। द थीम ऑफ द डे इज सड़क सुरक्षा। यहाँ पे रोड सेफ्टी की बात करी जा रही है। हो सकता है, देखिए आपका नेशनल सेफ्टी डे, वो किसी भी चीज को लेकर सेफ्टी की बात करी जा सकती है। सोचिए इसके बारे में, थीम के बारे में सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अभी रिसेंटली इसे ऑब्जर्व किया गया है और यहाँ पे जो थीम था बिल्कुल सही दिया है, सड़क सुरक्षा, दैट इज रोड सेफ्टी की बात करी गई है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। द डे वॉज ऑब्जर्व अंडर द थीम सड़क सुरक्षा या फिर रोड सेफ्टी। The day is observed with the aim of increasing the awareness regarding all the guidelines, including the workplace safety. तो यहाँ पे सिर्फ रोड सेफ्टी की बात नहीं है, बाकी सभी चीजों की भी बात करी जाती है। वर्कप्लेस पे सेफ्टी कैसी हो, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर किस तरीके से सेफ्टी हमारी कार्यान्वित करनी है, रोड सेफ्टी कैसे होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन हेल्थ इसको कैसे इंश्योर करना है, सेफ्टी ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंट को जो आपकी सेफ्टी है उसको कैसे इंश्योर करना है। सेलिब्रेशन ऑफ द डे विल बी ऑब्जर्व ओवर अ वीक, तो पूरा हफ्ता इसको मनाया जाएगा। द नेशनल सेफ्टी वीक जो है वो शुरू हो चुका है और ये शुरू हुआ है मार्च 4 से और चलेगा 10th ऑफ मार्च तक, ठीक है। द सेफ्टी वीक विल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी ऑन रोड्स, क्योंकि थीम हमारा सेफ्टी ऑन रोड्स है तो इसके बारे में ज्यादा बात करी जाएगी। हालांकि जब हम सेफ्टी डे की बात करते हैं उसमें हर तरीके की सेफ्टी आती है, चाहे वो एनवायरमेंट की हो, हेल्थ की हो, वर्क प्लेस सेफ्टी हो या फिर रोड सेफ्टी हो। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए था, क्योंकि रोड सेफ्टी डे यहाँ पे जो है नेशनल सेफ्टी डे उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं, दिस इज द वर्क प्लेस की सेफ्टी। आप जानते हैं कि काफी सारे वर्क प्लेस ऐसे होते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में खासतौर पर, जहाँ पे हेलमेट्स वगैरह आपको डालने पड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। तो विद रेफरेंस टू CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्लोरिकल्चर मिशन को लेकर ध्यान रखिएगा, CSIR आगे दिया ही तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया, नहीं तो इसकी भी एक स्टेटमेंट बन के आ सकती थी। उसके बारे में आपसे पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, सही क्या है इसमें से। द मिशन विल फोकस ऑन कमर्शियल क्रॉप्स लाइक हनी बी रेयरिंग सच एज ग्लैडियस, कार्नेशन, कैना, मैरीगोल्ड, रोज। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली मिशन जो है ये आपका फ्लोरिकल्चर का, ये कमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर जो है फोकस कर रहा है, जिसमें से कुछ नाम आपको यहाँ पर दिए हैं जिसमें फूल है ज्यादातर। इंडिया ओनली शेयर 0.6% ऑफ ग्लोबल फ्लोरिकल्चर मार्केट। तो इंडिया का जो शेयर पूरी की पूरी जो 100% की पाई है उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा, ये 0.6% है, ठीक है। इसको तो मैं एक पीस में भी कन्वर्ट नहीं कर सकता हूं, जो पाई का पीस होता है। चलिए तो सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने वेरियस साइंटिस्ट से बात करी CSIR लैबोरेटरीज के, और उनसे बात करी, उनसे डिस्कशन किया कि किस तरीके से जो हमारी लैब्स है उनको सेटअप किया जा सकता है, CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन के हिसाब से उनको ढाला जा सकता है। इन द अर्लियर मूव CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन वॉज गिवन अप्रूवल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस द 21 स्टेट्स एंड यूटीज, कि वहां पर हम इस तरीके की लैब्स जो है उसको बनाएंगे ताकि फ्लोरिकल्चर को हमारे देश के अंदर बढ़ावा मिल सके। बात करी जाए फ्लोरिकल्चर मिशन की, ये चीज आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ज्यादा फ्लोरिकल्चर के बारे में बात नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन इसी वजह से मेंस के अंदर पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज्यादा पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे लिखने के लिए। तभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मेंस को भी ध्यान में रखिएगा, मेंस के अंदर भी ये पॉइंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं। द फ्लोरिकल्चर मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन एसोसिएशन विद ICAR, तो ICAR जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। जस्ट अ सेकेंड, तो ICAR इसमें शामिल है, ICAR के साथ साथ इसके अंदर अपेडा जो है वो भी रोल प्ले कर रहा है, KVIC, KVIC के काफी और पढ़ चुके हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ट्राइफेड भी इसके अंदर शामिल है।
मिशन का जो फोकस होने वाला है वो है कमर्शियल क्रॉप्स, जो कि मैंने आपको बताई थी यहाँ पे, जिसके अंदर हनी है और मैरीगोल्ड है, रोज है, साथ ही साथ इसके अंदर एपिकल्चर जो है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो कोशिश क्या करी जा रही है एपिकल्चर फ्लोरिकल्चर को कन्वर्ट करने की। एपिकल्चर क्या होता है? बेसिकली जो बी कीपिंग होती है ना, जिसमें आप मधुमक्खियां पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, उनका हनी जो होता है वो निकालते हैं फिर उसे बेचते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल द एपिकल्चर। ये टर्म्स के मतलब पता होने चाहिए, अदरवाइज एग्जाम में आएगा तो नहीं पता चल पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर इस तरीके की कभी कोई टर्म आ जाती है तो आप कोशिश करें उसको हिंदी वाली साइड पे देखने की। कई बार क्या होता है हिंदी वाली साइड पे उसका मीनिंग इस तरीके से दे रखा होता है कि हमें वो जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर जो है फ्लावर की जो फार्मिंग होती है, जिसमें मैंने आपको मैरीगोल्ड, रोज, कैना, कार्नेशन का नाम बताया, तो यहाँ पे जब हम फूलों को उगाते हैं, फूलों की फार्मिंग करते हैं, क्योंकि इसकी भी काफी बड़ी मार्केट है और काफी महंगे बिकते हैं फूल, ये जो होता है ये जब डिसिप्लिन फॉलो किया जाता है उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। वैसे भी फ्लोरी जो है फ्लावर से बना है तो याद रखने में वैसे ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज है, पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा जो मार्केट शेयर है वो काफी कम है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन यहां पर हम ये भी जानते हैं कि इसकी पोटेंशियल ज्यादा है। जब कोई चीज कम होती है उसकी पोटेंशियल ज्यादा होती है, इसी वजह से कहता हूं, देखिए जब मैं कहता हूं कि यहां पे हमारा शेयर 0.6% है, ये कम है, ये मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, लेकिन इसी वजह से यहां पे इसको पोटेंशियल जो इसकी है इसको बढ़ाने की कितनी ज्यादा है, ये समझ सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं, इस तरीके से समझिएगा, आपने क्विज के अंदर जो रेगुलर बेसिस पे क्विज होते हैं उसमें आपके 0 मार्क्स आए या आपके 1 मार्क्स आए या 2 या 3 या 4 मार्क्स आपके आए, ठीक है, तो आपके मार्क्स क्या है, आपके मार्क्स कम है, लेस मार्क्स है, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देखें, क्योंकि जितने कम मार्क्स है उतनी ज्यादा उसे इंप्रूव करने की पोटेंशियल आपके अंदर है। ठीक है, तो इन मार्क्स को इंप्रूव करने की पोटेंशियल तो आपके सामने है ना, जितनी कम फ्लोरिकल्चर के अंदर हमारी परसेंटेज है उतना ज्यादा हमारे सामने एक लक्ष्य जो है हम बना सकते हैं कि यस हम इसे 60% तक 70% तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये रियलाइजेशन करना कि हम कम है वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक बार रियलाइजेशन हो जाता है कि यस मेरे कट ऑफ के अंदर मार्क्स 70-75 आ रहे हैं, ये कम मार्क्स है, मुझे इसे 110-120 तक लेके जाना है, तो आप एक अच्छे कदम जो है उठाने लग जाते हैं। तभी मैं कह रहा हूं कि इसको नेगेटिव तरीके से मत लीजिएगा कि हमारे जो परसेंटेज है वो कम है, ये सोच के चलिएगा कि परसेंटेज कम है तो इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा है, मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी भी आपकी बन जाती है। चलिए चलते हैं, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक थी, इसी वजह से आंसर जो था आपका क्या हो गया, सी वॉज द करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है फूड प्राइस इंडेक्स को लेकर, पूछा गया फूड प्राइस इंडेक्स को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं आपको बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है एंड इट मेजर्स द मंथली चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटी। ये मेजर क्या करते हैं, मंथली बेसिस पे कितना बदलाव हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है इंटरनेशनल प्राइसेस में एक बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज हैं, जिसके अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, जैसे आप जानते हैं अलग अलग बास्केट के अंदर कुछ स्पेसिफिक आइटम्स को ऐड किया जाता है, उसके बेसिस पे ही पूरी दुनिया के जो प्राइस चेंज होते हैं वो निकाले जाते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर मैं आपको न्यूज बताऊंगा और आंसर क्या है वो भी बताने वाला, सोचिए। देखिए वर्ल्ड फूड प्राइस हैव इंक्रीज्ड फॉर द 9th कंसेक्यूटिव मंथ इन फरवरी 2021, दिस इंक्रीज इज बिकॉज हाईएस्ट देखा गया है अभी जुलाई 2014 से, तो जुलाई 2014 में भी एक इंक्रीज देखा गया था लेकिन उसके बाद हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो अभी देखा गया है एट इट्स हाईएस्ट लेवल सिंस 2014 का जुलाई का महीना, और पिछले 9 महीनों से कंसेक्यूटिव जो एक उछाल है वो फूड प्राइसेस के अंदर हमें देखने को मिला है, इसी वजह से ये इंडेक्स भी न्यूज में था। बात करी जाए तो फूड प्राइस इंडेक्स जो है इसे रिलीज किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रोल नहीं है, पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है, बट इट मेजर्स द मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइस का, ठीक है, यस इट मेजर्स महीने के बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ये मेजर करता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो एक बास्केट बना के रखी हुई है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, ताकि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर भी किया जा सके प्राइसेस के हिसाब से। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपके लिए आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, क्योंकि आपको इनकरेक्ट बताना था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आज का लास्ट क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय, तो किसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट को, रिपोर्ट जो है अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है, ये इसके अंदर इंडिया जो है, इंडिया एक ओवर परफॉर्मर, बिगेस्ट ओवर परफॉर्मर के तौर पर बाहर निकल के आया है इन फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, देन द कंट्रीज पर कैपिटा जीडीपी जो सजेस्ट करती है उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीजें कुछ नेगेटिव चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बताना है इंस्टीट्यूशन का नाम।
चलिए, तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं, मैं UNCTAD की वेबसाइट पढ़ रहा था क्योंकि रिपोर्ट UNCTAD के द्वारा लाई गई है, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे लिखा था टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 को देखेंगे तो क्रिटिकली एग्जामिन करती है रिपोर्ट कि किस किस एरिया के अंदर टेक्नोलॉजी में, आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, जीन एडिटिंग है, इसकी वजह से इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है। क्योंकि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, जीन एडिटिंग हो, इसको अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से जो एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज सोसाइटी के अंदर हुआ करती थी वो तो इंक्रीज हो ही रही है, और न्यू एरिनाज ऑफ इनइक्वालिटीज जो है वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज आर असेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट दे ऑल्सो कुड एसेंचुएट इनिशियल इनइक्वालिटीज। इट इज अप टू द पॉलिसी मेकर्स टू रिड्यूस दिस रिस्क एंड मेक फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग इक्वालिटी। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिपोर्ट के अंदर जो चीज बताई गई है कि यहाँ पे देखिए, वैसे देखा जाए बाय डिफॉल्ट तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये अपने आप इनइक्वालिटी क्रिएट करेंगे, लेकिन पॉलिसी मेकर्स चाहें तो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं कि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी को डिसेमिनेट किया जा सके। जो लो और मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें से काफी सारी कंट्रीज तो इस टेक्नोलॉजी, इन टेक्नोलॉजीज चाहे वो रोबोटिक्स हो, AI हो, जीन एडिटिंग हो, उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकती है, और इसी वजह से जो ये रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है वो डिसएडवांटेज में रह जाती है। देखिए, अब मैं आपको अगर कनेक्ट करके बताऊं, अभी हमने देखा था कि जो आपका मेडागास्कर है, मेडागास्कर को हमने एक टेक्नोलॉजी जो है कैंसर के लिए जो एक मशीन थी वो हमने अभी भेजी है, एक्सपोर्ट करी है, बेसिकली उसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया, बेचा नहीं है उसे, उसे सिर्फ डोनेट किया है। क्यों उनको डोनेट करने की जरूरत पड़ी? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास तो थी, और इवन उससे भी अच्छी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इंडिया के पास है, लेकिन मेडागास्कर के पास नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही काफी सारी कंट्रीज हैं जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया इज वन ऑफ देम, हमारे पास टेक्नोलॉजी की मतलब वी आर सेकंड टू नन, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चाहे वो रोबोटिक्स हो, AI हो, जीन एडिटिंग हो, ये सब चीजें हमारे पास है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास ये नहीं है, तो इनइक्वालिटीज क्रिएट हो जाएंगी कुछ कंट्रीज के बीच में जिनके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरी कंट्रीज जिनके पास नहीं है। जैसे कि अभी देखा गया था, ये तो हमने डोनेट किया, बहुत अच्छे हमने स्टेप लिया, लेकिन अभी तक तो मेडागास्कर के पास वो मशीन नहीं थी ना, तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी जो होती है वो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी भी इंक्रीज कर सकती है और नए नए इनइक्वालिटीज जो है उसको भी क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर पॉलिसी मेकर चाहें, जैसे कि यहां पर इंडिया और मेडागास्कर के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने आपस में हाथ मिलाया और इस टेक्नोलॉजी को मेडागास्कर ने इंडिया से बुला लिया, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी से कैसे इनइक्वालिटीज को दूर किया जाए, ना कि इसके थ्रू इनइक्वालिटीज को क्रिएट किया जाए। चलिए, करंट अफेयर्स की सीरीज में आज मैप की जो सीरीज है उसको लेकर आए हैं। यहाँ पे 10 टॉपिक्स हम देखेंगे। माउंट सिनबंग के बारे में डिस्कशन होगा हमारा, लेक चैट इसकी लोकेशन देखेंगे, काबुल रिवर की जो डिस्कशन है इसके बारे में जानेंगे, राम सेतु इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है राम सेतु, काफी न्यूज में रहता है इस वजह से, प्रेजेंट गवर्नमेंट की वजह से भी। देन इसके बाद सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे, दीप और बील के बारे में इसकी लोकेशन देखते हैं, सी ऑफ गैलीली इसको लेकर भी एक क्वेश्चन बनाया है, नॉर्दर्न यूरोप को लेकर एक क्वेश्चन है, अमेजोन डेल्टा को डिस्कस करते हुए कैस्पियन सी हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रिसेंटली सीन इन न्यूज माउंट सिनबंग, ये कहां पर लोकेट करता है? क्या ये थाईलैंड के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर है, जापान में है या फिर चाइना में? सोचें फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी अभी रिसेंटली इंडोनेशिया के अंदर जो माउंट सिनबंग है उसके अंदर से बेसिकली वहां से एक वोल्केनो जो है वो उसका एक बहुत बड़ा क्लाउड जो है, वोल्केनो आप समझते हैं कि जब इरप्ट होता है तो उसके बाद एक डस्ट और कह सकते हैं हॉट एश का एक क्लाउड जो होता है वो भी बन जाता है, जिसमें आपको दिखाता हूं। मान लीजिए ये माउंटेन से यहां पे आपका लावा निकल रहा है, ठीक है, या फिर यहां पे एक बर्स्ट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से लावा कुछ ऊपर गया और फिर वो नीचे आके गिरा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो एशेस निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा क्लाउड जो है वो बन जाता है। कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था और जिसकी वजह से काफी सारी फ्लाइट्स जो थी वो कैंसिल कर दी गई थी। क्या आप मुझे उस जगह का नाम बता सकते हैं जहां पर ये सिचुएशन पहले देखी गई थी? अभी जो है वो देखा गया कि हॉट एश जो है वो 3 किलोमीटर ऊपर तक चली गई है इन इट्स फर्स्ट बिग इरप्शन, देखी गई है अगस्त के टाइम से। तो पहले अगस्त में इरप्ट किया था, उसके बाद अब दोबारा से इसने इरप्ट किया है और काफी बड़ा एक क्लाउड जो है हॉट एश का वो बनाया है, जिसकी वजह से ऑफकोर्स यहां पे जो आपका ट्रेवलिंग है वो भी डिसरप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, बी इज द करेक्ट आंसर, इंडोनेशिया में लोकेट करता है। अगर इसकी कुछ फिजियोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊं, सो इट इज क्रिएटेड बाय द सबडक्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अंडर द यूरेशियन प्लेट, ठीक है। सो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो सबडक्ट करी यूरेशियन प्लेट के अंदर, तब जाके इसका निर्माण हुआ था। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक बार मैप पे लोकेशन देख लीजिए, सो ये आपका सुमात्रा आपको दिख रहा है और दिस इज द माउंट सिनबंग, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में लोकेट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है लीक चैट को लेकर है, पूछा गया लीक चैट को लेकर दो स्टेटमेंट्स हैं, आप बताएं कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहां पे क्या बताना आपको, गलत बताना है। लीक चैट को सबसे पहले आप अंडरलाइन करें, दैट इज द टॉपिक। पहली स्टेटमेंट कहती है द फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड इन द सहेलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका। तो जो सहेलियन जोन है वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका का, वहां पर ये लोकेट करता है, हो सकता है। सेकंड, इट इज सराउंडेड बाय चैड, कैमरून, नाइजर एंड नाइजीरिया। तो यहां पे कंट्रीज के नाम के जिसके द्वारा ये सराउंड किया जाता है। सोचें आपको इनकरेक्ट बताना है, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पे जो लेक चैड है न्यूज में थी, क्योंकि काफी सारी वाटर बॉडीज जो हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो सूख रही हैं, श्रिंक कर रही हैं, इस वजह से ये न्यूज में थी। अगर हम पहली स्टेटमेंट की बात करें, द फ्रेश वाटर लेक इज लोकेटेड इन द सहेलियन जोन ऑफ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, अभी मैप के ऊपर देखेंगे, इट इज लोकेटेड इन द इंटीरियर बेसिन विच यूज टू बी ऑक्यूपाइड बाय मच लार्जर एंशियंट सी, समटाइम्स कॉल्ड मेगा चैड कहा जाता था जिसे। तो मेगा चैड जो वो सी वाला एरिया था वहां पर ये लोकेट करती है। पहली स्टेटमेंट वैसे आपकी करेक्ट है, मैं आपको एक बार मैप पे भी दिखाऊंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेक चैड जो है इन द साहेल स्पेंस कंट्रीज, जो नाइजीरिया, नाइजर, चैड, कैमरून है, वो उसी से सराउंड करी हुई। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है, एक बार मैप पे देख लीजिए। सो दिस इज द लोकेशन, एक बार मैं मैप को बड़ा करके दिखाता हूं आपको। यहां पे देखिए, दिस इज लेक चैड, आसपास की कंट्रीज जो है नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चैड आप देख सकते हैं। एंड यहां पे इसको किस तरीके से 1973 में देखेंगे लेक चैड का जो आकार था, सो एक्सपेंशन वाज क्वाइट बिग, लेकिन धीरे धीरे वो श्रिंक होते होते अभी आप देख सकते हैं कितना कम यहां पे ये श्रिंकेज की वजह से। 2017 का डेटा है और 2021 का आएगा तो वो और भी आपको यहां पे कम देखने को मिलेगा। आसपास की कंट्रीज जो है वो जरूर देख लीजिएगा, वैसे मैंने आपको ये दिखा भी दिया है मैप के ऊपर भी और क्वेश्चन के ऊपर भी दिखा दिया, क्वाइट इंपॉर्टेंट प्लेस दिस इज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थ्री काबुल रिवर को लेकर है। काबुल रिवर बेसिन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू और इज रिलीज बाय इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ या पार्ट ऑफ। आपको दो स्टेटमेंट दे रखी है काबुल के बारे में और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, काबुल रिवर बेसिन, पहली कहती है शातू डैम इज अ प्रपोज डैम इन द काबुल रिवर बेसिन और वन ऑफ द फाइव रिवर बेसिन इन अफगानिस्तान। तो शातूत डैम जो है वो प्रपोज किया गया है काबुल रिवर बेसिन के ऊपर और ये पांच मुख्य बेसिन में से अफगानिस्तान की एक है। अल बिरूनी ऑल्सो कॉल्ड इट द रिवर ऑफ घोरवान, रिवर ऑफ घोरवान जो था वो भी अल बिरूनी के द्वारा इसे कहा गया। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, करंट फेस में तो ये था, बट मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको याद है हमने कुछ दिन पहले शातू डैम के बारे में टॉपिक भी डिस्कस किया था, जो हमारी क्लासेस होती है पेड क्लासेस हैं, अदरवाइज हमने जो 7 AM के जो MCQs होते हैं वहां पर भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो यहां पे इंडिया अफगानिस्तान ने साइन किया है एक एग्रीमेंट शातू डैम को लेकर काबुल के अंदर, और ये जो है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है वो अफगान की कैपिटल काबुल को प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, इट इज अ प्रपोज डैम इन द काबुल रिवर बेसिन जो कि पांच मुख्य बेसिन में से एक है। अफगानिस्तान की बात करी जाए तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। अल बिरूनी जो है उन्होंने रिवर ऑफ घोरवान भी इसे कहा था। काबुल रिवर लेटर गेव इट्स नेम टू द रीजन एंड द सेटलमेंट ऑफ काबुल, तो बाद में जो काबुल रीजन है उसके नाम पर इस नदी का नाम जो था वो पड़ गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों स्टेटमेंट्स आपके ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। और ये जो क्योंकि एक पैक्ट जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में अग्रीमेंट जो है साइन किया गया है शातू डैम को लेकर, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा वहां पर कैपिटल उनकी जो है उनको पानी प्रोवाइड करने के लिए इसे साइन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑब्जर्व राम सेतु, आपको बताना है राम सेतु को लेकर दो स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। बेसिकली पहली स्टेटमेंट कहती है द ब्रिज सेपरेट्स द गल्फ ऑफ मनार जो कि साउथ वेस्ट में है फ्रॉम पाक स्ट्रेट, तो गल्फ ऑफ मनार को पाक स्ट्रेट से अलग किया जाता है। द ब्रिज स्टार्ट्स फ्रॉम मनार आइलैंड टू पंबन आइलैंड, तो यहां पे मनार आइलैंड और पंबन आइलैंड से ही कनेक्टेड है। तो बेसिकली काफी न्यूज आ रही है राम सेतु के ऊपर एंड गिवन द प्रेजेंट गवर्नमेंट सिनेरियो जो चल रहा है, तो उसके अंदर राम सेतु के ऊपर क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स मींस इंटरव्यू तीनों लेवल पे पूछा जा सकता है। और यहां पे काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं वो भी इसे स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे जो साइंटिस्ट हैं दे आर गोइंग टू अंडरटेक अ साइंटिफिक एक्सपेडिशन करने जा रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं जो राम सेतु के नीचे जो सेडिमेंट्स हैं, जो कॉरल्स हैं, जो कॉरल चेन्स बनी हुई हैं उसको। और यहां पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को देख के डिस्कस करते हैं, पहली जो स्टेटमेंट है दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ब्रिज जो है गल्फ ऑफ मनार साउथ वेस्ट में है, उसे पाक स्ट्रेट नॉर्थ ईस्ट में है, उससे अलग करता है। और जो ब्रिज है ये अराउंड 48 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं मैप के ऊपर भी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन द ब्रिज स्टार्ट्स फ्रॉम, ध्यान रखिएगा
इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पंबन आइलैंड जो कि नॉर्थ में है और मन्नार आइलैंड जो कि साउथ में है, वहां पर जाके ये खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिज स्टार्ट्स एज अ चेन ऑफ शोल्स फ्रॉम, जिसे कहते हैं धनुषकोडी, सुना होगा आपने, मैंने काफी बार न्यूज में पढ़ा है इसके बारे में, धनुषकोडी टिप ऑफ इंडिया का जो पामन आइलैंड है वहां पे जो टिप है, वहां पे जो जगह है, धनुषकोडी करके उसका नाम दिया गया है और वहां से इसकी शुरुआत होती है और एंड कहां होता है, मन्नार आइलैंड के ऊपर। ठीक है, पामन आइलैंड इज एक्सेस फ्रॉम इंडियन मेनलैंड, तो ये इंडियन मेनलैंड नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाता है और जो आपका मन्नार है वो आपसे सदर्न डायरेक्शन में जो श्रीलंका वाली साइड है वहां पे फॉल करता है। ठीक है, हेंस ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार मैप पे देख लीजिए इसे किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे धनुषकोडी आपको दिख रहा होगा, दिस इज द पंबन आइलैंड, ये आपके नॉर्थ डायरेक्शन में फॉल करता है, नीचे आएंगे जब इसको साउथ में तो आपका मन्नार आइलैंड यहाँ पे दिख जाएगा और दिस इज द राम सेतु, एडम ब्रिज भी कहा गया है इसको यहाँ पर, और साथ ही साथ आसपास की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस काफी ज्यादा है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं जो कि सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया के अंदर लार्जेस्ट डेल्टा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबन कहलाए जाते हैं, एंड इट इज फाउंड ऑन द वेस्ट बाय रिवर मुरीगंगा एंड ऑन द ईस्ट बाय रिवर हरिमंगा एंड रायमंगल। तो यहां पे तीन रिवर्स के नाम दिए हैं, मुरीगंगा या मरीगंगा जो है वो रिवर वेस्ट साइड पे है, ईस्ट साइड पे रिवर कौन सी है, हरिमंगा एंड रायमंगल। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट वन के बारे में बात करें, सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया के जो सुंदरबन हैं दे कवर अराउंड 4200 स्क्वायर किलोमीटर कंप्राइजेस ऑफ सुंदरबन टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहां पे जब सुंदरबन की बात करी जाती है तो वहां आपका इंडिया वाला और आपका साथ ही साथ जो साथ में हमारा बांग्लादेश वाला है वो भी इसमें आ जाता है। सुंदरबन कलेक्टिवली ये बने गए हैं और हमारे यहां का जो एक्सपेंशन है वो भी मैंने आपको बताया, उनकी साइड थोड़ा सा ज्यादा है बट इंडियन सुंदरबन जो है वहां पर भी आपको 4200 स्क्वायर किलोमीटर का जो स्पेस है वो मिल जाएगा। इसके अंदर सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी बनाया गया है, 96 रॉयल बंगाल टाइगर यहां पे काउंट करे गए थे 2020 के अंदर। ठीक है, अब आते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर। पहली स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है हमारी। सेकंड स्टेटमेंट, इंडियन सुंदरबन जो है दे आर बाउंड ऑन द वेस्ट बाय रिवर मरीगंगा एंड ऑन द ईस्ट साइड पे जो रिवर है उसका नाम भी करेक्ट दिया गया, हरिभागा एंड रायमंगल। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और यहां पे अदर मेजर रिवर्स की बात करें तो क्या कोई बता सकता है, देखिए आंसर तो हमारा सही हो गया लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में जो चीजें हैं वही डिस्कस करने के अलावा जो एसोसिएटेड चीजें वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अदर मेजर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू दिस इकोसिस्टम कौन कौन सी है, कोई नाम बताएं, अदरवाइज मैं आपको बताता हूं। सप्तमुखी है यहां पे, ठीक है, मातला है और ताकुरान भी है। इसके अलावा कोई और रिवर का नाम आपको याद है तो जरूर बताइएगा। रीसेंट स्टडीज क्लेम दैट द इंडियन सुंदरबन इज होम टू 2626 दैट इज 2626 फॉनल स्पीसीज एंड 90% ऑफ द कंट्रीज मैंग्रोव वेराइटीज जो वो यहां पर आपको मिल जाएंगी। एक बार लोकेशन देख लीजिए इसकी, तो ये बांग्लादेश है और अराउंड आप कह सकते हैं 60% सुंदरबन का यहां फॉल करता है, 40% 45% हमारे यहां पर है, तो इट्स लाइक 40-60 और 45-55 का आप कह सकते हैं डिमार्केशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाने से पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप अभी एनरोल करा सकते हैं। आई जस्ट नीड योर 2 आवर्स, अपने 2 घंटे जो है वो डेली बेसिस पे मुझे दे दीजिए अगर आप ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बिकॉज ये जो सीरीज है आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है एग्जाम के अंदर। अगर ऑलरेडी सिलेबस को कवर कर चुके हैं तो उसे रिवाइज करने में, उसे ब्रशअप करने में हेल्प करेगी। अदरवाइज जो आपके टॉपिक्स छूट गए होंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रह गए होंगे, जो आपने नहीं पढ़े होंगे, वो भी इसके अंदर आपके कवर हो जाएंगे। वीकली बेसिस पे आपका टेस्ट भी होगा इसके अंदर और करंट अफेयर से लेके जो स्टैटिक होता है वो पूरा इसके अंदर कवर किया गया है। स्टैटिक में पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो और ज्योग्राफी है, आपकी इकोनॉमी है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, वो सभी इसके अंदर कवर किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आपके एग्जाम के लिए इसके अंदर कवर किए गए। आई जस्ट नीड 2 आवर्स फ्रॉम योर साइड सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो सके एंड यहां पे एक्सपेक्टेशन करी जा रही है कि 30-40 क्वेश्चन जो होंगे वो यहां से पूछे जा सकते हैं और आपको स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। और अगर आप हाउसवाइफ या फिर वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि उन्हीं के लिए जो पर्टिकुलर सीरीज बनाई गई है, क्योंकि कम टाइम वही दे पाते हैं, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे पाए देन यू कैन गो फॉर द 200 डे सीरीज, क्योंकि यहां पर अगर आप 3-3.5 घंटे भी दे देते हैं देन आपकी बहुत ही रॉक सॉलिड प्रिपरेशन जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस साल एग्जाम नहीं दे रहे या फिर इस साल दे रहे हैं बट श्योर नहीं है कि होगा या नहीं होगा, देन यू कैन गो फॉर द मिशन यूपीएससी 2022 और यहां पर आप exam.netmoc.com पे जाके एनरोल करा सकते हैं। कोई भी आपका डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा एंड आई ट्राई टू रिजोल्व दैट डाउट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लेते हैं जो कि डीप और बिल के बारे में है। डीप और बिल के बारे में दो स्टेटमेंट्स आपको होती है और आपसे पूछें बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सी यहां पे स्टेटमेंट गलत है। डीप और बिल इज लोकेटेड टू द साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी इन आसाम। ठीक है, तो लोकेशन बेसिकली बता रखी है, हो सकता है इट इज द ओनली रामसर साइट इन आसाम। ये भी हो सकता है कि अपने हमें अकेली रामसर साइट हो। सोचे फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो डीप और बिल जो है ये लोकेट करते हैं साउथ वेस्ट ऑफ गुवाहाटी सिटी, कामरूप डिस्ट्रिक्ट जो है, मोर स्पेसिफिकली कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम के अंदर लोकेट करती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, यस इट इज द ओनली रामसर साइट इन असम। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है। आपको इनकरेक्ट बताना था तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ना ही पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना ही दूसरी। ठीक है, असम हैज प्रोहिबिटेड कम्युनिटी फिशिंग एट डीप और बिल। अभी रिसेंटली न्यूज में था कि कम्युनिटी फिशिंग जो डीप और बिल में अभी करी जाती थी उसे रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए। इट इज अ वेटलैंड ऑन द साउथ वेस्टर्न एच ऑफ गुवाहाटी एंड इट इज द ओनली रामसर साइट, ध्यान रखिएगा। ठीक है, न्यूज थी, कभी ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछी भी जा सकती है। सो दिस इज डीप और बिल, देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन बात करता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी ऑफ गैलीली, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको सी ऑफ गैलीली को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्योंकि यहां पर दो स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए। पहली स्टेटमेंट कहती है द सी ऑफ गैलीली इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट पैलेस्टाइन बिटवीन द गोलान हाइट्स एंड गैलीली रीजन। हो सकता है लोकेशन बता रखिए कहां पे लोकेट करते हैं। इट इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ एंड सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ये भी हो सकता है कि लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक हो अर्थ के ऊपर एंड सेकंड लोएस्ट लेक हो वर्ल्ड के अंदर। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो सी ऑफ गैलीली के बारे में न्यूज थी दैट इट हैज स्वेल्ड अप ड्यू टू रीसेंट रेन्स। तो अभी कुछ महीने पहले, दो महीने पहले आप कह सकते हैं, मोर स्पेसिफिकली जो जगह थी न्यूज में थी, काफी ज्यादा रेन हुई उसकी वजह से स्वेल अप हो गई थी ये जगह। इस वजह से न्यूज में, इजरायली मीडिया में खासतौर पर इसके बारे में काफी जिक्र किया गया था। सी ऑफ गैलीली की लोकेशन देखिए, तो सी ऑफ गैलीली इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इजराइल। ठीक है, सो इट इज नॉर्थ ईस्ट पैलेस्टाइन नहीं है, इट इज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ इजराइल बिटवीन द गोलान हाइट्स एंड गैलीली रीजन। तो यहां पे देखिए छोटी सी एक चेंज यहां पे किया गया है, डायरेक्शन भी सेम है, गोलान हाइट भी सेम है, गैलीली रीजन भी सेम है, लेकिन यहां पे कंट्री का नाम बदल दिया। ठीक है, और यूपीएससी भी एग्जैक्टली यही चीज करता है। वो क्या करते हैं, सिर्फ पूरी की पूरी स्टेटमेंट में 99% स्टेटमेंट आपकी करेक्ट रहेगी, सिर्फ 1% एरर डाल देंगे उसके अंदर ताकि आप उसे मिस कर दें और उस क्वेश्चन को गलत कर दें। ठीक है, तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है बिकॉज यहां पे इजराइल के नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में, अभी आपको मैप के ऊपर भी दिखाने वाला हूं मैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ एंड सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर, आफ्टर बता सकते हैं कोई, आफ्टर कौन सी लेक है फर्स्ट नंबर पे। सो इट इज द लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ एंड द सेकंड लोएस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर द सोल्ट वाटर लेक, डेड सी की जो सोल्ट वाटर लेक है। चलिए, तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार देखिए यहां पर, सो दिस इज सी ऑफ गैलीली आपको दिख रहा है, राइट, ये आपकी गोलन हाइट्स इस साइड पे है और ये आपका इजराइल है। ठीक है, इस एरिया से मैंने क्वेश्चन इसलिए बनाया है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है यूपीएससी में मिडिल ईस्ट को लेकर और साथ ही साथ ये जो इजराइल वाला रीजन है यहां पे पूछे जाते हैं। आप देखिए आसपास की जगह जरूर देख लीजिएगा, यहां पे आपको मेडिटेरेनियन सी भी दिख रहा है वैसे में, जस्ट अ सेकेंड। तो यहां पे हमने कंट्री का नाम जो है इजराइल वो देख लिया, गोलान हाइट्स और गैलीली रीजन के बीच में है ये भी देख लिया, और आसपास की कंट्रीज जो है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो नीचे आपको जॉर्डन, ये आपको जॉर्डन रिवर जो है वो दिख रही होगी और ये जॉर्डन को अलग कर रही है इसराइल से। दिस इज द वेस्ट बैंक जो एक्चुअल में ईस्ट साइड पे है। ठीक है, अगर आप देखिए वैसे मैप में ये कंट्री है अगर, तो उसके ईस्ट साइड में है। दिस इज द डेड सी और ये गाजा स्ट्राइप है जो काफी न्यूज में रहती है। ठीक है, दिस इज द कैपिटल टेल अवीव और जेरूसलम काफी फेमस जगह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर एट जो है नॉर्दर्न यूरोप के बारे में पूछा कि नॉर्दर्न यूरोप को किस तरीके से कैरेक्टराइज किया जाता है, कैसे टंड्रा कहा जाता है, टाइगा कहा जाता है, टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट या फिर एल्पाइन, किस तरीके से इसे जाना जाता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, नॉर्थ अमेरिका को जनरली रेफर किया जाता है टाइगा से और एज ए बोरियल फॉरेस्ट या स्नो फॉरेस्ट के तौर पर भी इसे जाना जाता है। इट इज ए बायोम जिसे कैरेक्टराइज किया गया है किस तरीके से, कॉनिफरस फॉरेस्ट के टाइप पे जहां पे आपके पाइन्स स्प्रूस लार्चेस मिल जाते हैं। टाइगा और बोरियल फॉरेस्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम एंड इट इज मोस्टली इन नॉर्दर्न यूरोप। तो यहां पे इसको टाइगा से कैरेक्टराइज किया जाता है, दिस इज द बेस्ट आंसर। और यहां पे अगर आप देखेंगे इसे कुछ इस तरीके से लोकेशन आप देख पाएंगे, सो दिस इज द शेडेड रीजन है आपका, दिस इज द टाइगा। चलिए
नाइन क्वेश्चन पे चलते हैं। द एमेजॉन डेल्टा इज फॉर्म बाय विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स। तो एमेजॉन डेल्टा जो है किस रिवर के द्वारा यहां पर फॉर्म किया गया है। दो आपको नाम दिए हैं, एमेजॉन रिवर देन है टोकेंटिस रिवर। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, एमेजॉन डेल्टा इज फॉर्म बाय वेरियस रिवर्स, जिसमें एमेजॉन भी है, टोकेंटिस भी है, और एमेजॉन डेल्टा इज लोकेटेड ऑन द ब्राजीलियन स्टेट्स ऑफ पारा एंड अम्पा। मैं अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर आपका आंसर तो सही हो जाएगा, लेकिन ये मैप जरूर देखिए, इसी की वजह से क्वेश्चन बनाया गया था। लेट मी जस्ट इंक्रीज द साइज, इसको एक बार मैग्निफाई करने दीजिए। सो आप देख सकते हैं दिस इज टोकेंटिस, और या फिर कहें यहां पे एमेजॉन आपको दिख रही है, देन आपको शिंगू भी दिख रही है। दीज आर द वेरी स्मॉल रिवर्स जो कि ईस्टर्न साइड पे आपको दिख रही है। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज सराउंडेड बाय द कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के द्वारा और या फिर कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज वो लोकेट करती है। अजरबैजान क्या है, व्हाट अबाउट अफगानिस्तान, रशिया, ईरान या फिर इराक। कौन कौन सी ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन सी के चारों तरफ है, उसे सराउंड किए हुए, सोचे। चलिए तो यहां पे आंसर आपका है ए कजाकिस्तान, 1, 3, 4, अजरबैजान, रशिया एंड ईरान। अभी दिखाऊंगा आपको, इसके अलावा आप कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान इनको भी देख पाएंगे। दिस इज द कैस्पियन सी, एक बार देखिए ऊपर आपको नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में कजाकिस्तान दिख रहा है, ईस्टर्न डायरेक्शन में तुर्कमेनिस्तान है, सदर्न में ईरान है, देन वेस्टर्न में अजरबैजान है, एंड नॉर्थ वेस्ट में आपको यहां पे रशिया का भी एक पार्ट दिख रहा है। चलिए तो यहां पे हमारी कंट्रीज में कौन कौन सी नहीं थी, इराक भी हमें कहीं नहीं दिखी और अफगानिस्तान भी हमें कहीं नहीं दिखी, और यही आपको एलिमिनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपको ये चीज पता होती कि इराक नहीं है, ठीक है, अगर सिर्फ यही एक चीज पता होती, आपको नहीं पता दुनिया में कि आपका कैस्पियन सी कहां पे एग्जिस्ट करता है कहां नहीं करता है, लेकिन आपको ये पक्का पता है कि इराक कंट्री जो है उससे इसका बॉर्डर टच नहीं होता, ये पक्की बात है, इसको लेके आप 100% श्योर है। सिर्फ एक चीज आपको पता है, बाकी कोई भी कंट्री आपको पता है नहीं पता। आप सीधा ही ऑप्शन को देखिए, एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए ए को मार्क करते, क्योंकि इराक जो था वो इस ऑप्शन में भी था, देखिए पांच नंबर। तो ये जो दो है इसको आप एलिमिनेट कर पाते, और फिर जो आपकी जंग होती इसके अंदर ए और डी के बीच में होती, और आपकी 50% पॉसिबिलिटी जो है एक ऑप्शन को निकालकर एक इराक के बारे में एक फैक्ट को पता चलती है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो इंक्रीज हो जाती है, और फिर आपको ए और डी के बीच में से ही चुनाव करना पड़ता। चलिए चलते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के क्वेश्चन के ऊपर, जिसका आंसर आपको करना है व्हाट इज गोलान हाइट या वेयर इज गोलान हाइट, दोनों चीजें जो है आप आंसर कर सकते हैं। तो गोलान हाइट्स कहां पर है ये बताइएगा, क्या है ये भी बता सकते हैं, लेकिन कहां ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जरूर बताइएगा। देन क्योंकि आज मैप हमने किया है, ज्योग्राफी जो है किसी कंट्री की वो उसके इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे अफेक्ट करती है, इसको आपको एनालाइज करना है कि कोई भी कंट्री जो है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो होगी किसी दूसरी कंट्री के रिलेशन में, किसी दूसरी कंट्री के रिलेटिवली, तो वो उसकी इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे इंपैक्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, ये आपको बताना है 150 वर्ड्स में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। हालांकि एक एसे जो है आई थिंक आज से 8-10 साल पहले इस तरीके का एक एसे जो था वो पूछा गया था, जो मुझे याद आ रहा है, लेकिन नाउ हियर इज इट इज अ क्वेश्चन एक थोड़े से डिफरेंट ट्विस्ट देके आपसे पूछा गया। लेट्स सी आप लोग कैसे आंसर करते हैं। और आपने एक डॉक्ट्रिन के बारे में सुना होगा, ठीक है, इट्स अ डॉक्ट्रिन जो कि इंडिया के अगेंस्ट में है, व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। किस कंट्री के द्वारा ये डॉक्ट्रिन लाया गया है और इसका मतलब क्या है। देखिए ये जो टर्म्स है ना ये आपको हर किताब वगैरह में नहीं मिलेंगी, लेकिन यस रीजन इज जब आप काफी सारे जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, जो राज्यसभा पे आते हैं, लोकसभा टीवी पे आते हैं, तो उनके जब आप इंटरव्यू सुनते हैं या फिर उनकी जो डिबेट्स देखते हैं तो इस तरीके के डॉक्ट्रिन्स के मेंशन भी किया होता है। लेकिन यस देर आर सर्टेन बुक्स जो कि हमारे सिलेबस के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं, वहां पर भी कहीं कहीं इन चीजों का जिक्र होता है, और क्योंकि वो हम सिलेबस में नहीं पढ़ते तभी ये चीजें छूट जाती हैं, और जब इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है या मेंस में हमें कहीं पे इस तरीके की चीज क्वेश्चन में आ जाती है तो हमें समझ में नहीं आती है, तो तभी मैं इस तरीके के टर्म्स जो आपसे पूछता रहता हूं, क्योंकि ये जो चीज है प्रीलिम्स के अंदर पूछा जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन यस मेंस के अंदर ये चीज पूछी जा सकती है, और नहीं भी पूछी गई तो आप अपने आंसर में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि ये है क्या, ये डॉक्ट्रिन है क्या। और जैसे मैंने आपसे सेंजू का डॉक्ट्रिन पूछा था, याद है आपको, आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने करेक्ट आंसर किया था, उस तरीके से ये जो डॉक्ट्रिन है ये क्या है ये बता सकते हैं, साथ ही साथ ये किस कंट्री के द्वारा लाया गया, ठीक है, वो भी बता सकते हैं। चलिए तो सेकंड चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज यहां पर भी आपको काफी सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। अभी हम कुछ नए वीडियोस प्लान करें वो भी आपको यहां पे मिल जाएंगे। दीज आर द नेटमॉक चैनल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल्स मिल जाएंगे। अपना मेंस का आंसर यहां पे सबमिट करिएगा, इंटरव्यू का आंसर दूसरे वाले ग्रुप में सबमिट करिएगा। सेपरेट ग्रुप दोनों के बना रखें, क्योंकि आप लोगों ने सेपरेट ग्रुप्स की डिमांड करी थी और वो सही भी था।
चलिए तो यहां पे करेक्ट आंसर जो है रति गोला ने किया। सो कांग्रेचुलेशन रति, आप मुझे बताइएगा पीडीएफ के बारे में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे अपनी डिटेल्स जो है आप सभी लोग दे दीजिएगा ताकि व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको मैसेजेस और ये वीडियोस जो है वो आने शुरू हो जाए। यहां पे मार्क्स अपने आप जल्दी से लिख दीजिए कितना कितना आपने स्कोर किया है, सो दैट वी कुड सी कि आज के टॉपर्स कौन है। और यहां पे 8 से 10 एमसीक्यूज अगर आपने करेक्ट किया देन यू आर इन द एक्सलेंट ब्रैकेट, 6 से 7 एमसीक्यूज ठीक किया देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट में है तो अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, अपर ब्रैकेट में धीरे धीरे आ जाएंगे। देखिए हो सकता है आप 15 दिन से 20 दिन से 1 महीना 2 महीने से ट्राई कर रहे हो लेकिन अभी भी आप लोअर जोन में है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं क्या गलतियां बार बार कर रहा हूं ताकि उन गलतियों को दूर करके 1, 2, 3 मार्क्स में आपने इंप्रूव किया जा सके और अपर ब्रैकेट में आया जा सके। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करिए। फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी, अगर आपका स्कोर नहीं इंप्रूव हो पा रहा है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून, टेक केयर।